कौन सा मोशन है ये? क्या हो रहा है इस प्रोसेस में? तो ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है किसी फिक्स पॉइंट का अबाउट, तो फिक्स पॉइंट का अबाउट मोशन करता है, उस मोशन को क्या बोलते हैं आप? तो प्योर रोटेशन मोशन, मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट अबाउट ए फिक्स पॉइंट, तो दैट मोशन इज कॉल्ड प्योर रोटेशन मोशन। हाथ एक बार करेंगे लोग, बैठने का काम नहीं है, क्रांति लाने का काम है। बताए एक ही टारगेट है हर एक लोगों का 180 नंबर हो, गली गली में हर एक बच्चे का नंबर 180 नंबर फिजिक्स में आना चाहिए, ये टारगेट है। और जब तक ये आप आंखों से दिखेगा नहीं, फिजिक्स कलम से नहीं होगा, ये कहाँ से होगा? आंखों से होता है। न्यूटन ने जो नियम दिया, न्यूटन का नियम दिया, कहाँ से देख दिया? लिख के दिया या आंखों से दिया? अरे देखा ना उसने कि गिर रहा है, उसके पहले भी आम गिरा था और बाद में भी आम गिरा। आम गिरा था, कुछ और गिरा था, या झुमका गिरा था, एप्पल गिरा था? आम भी तो गिरते ही है, आजकल आम का सीजन चल रहा है। तो बोला जा रहा है कि आंखों से फिजिक्स का काम होता है, और आस्की भी कहाँ से होती है? अरे आस्की भी आंखों से ही होती है, जनरल नॉलेज तो पता होना चाहिए। चले फिलहाल आपको बोला जा रहा है कि वेक्टर किस केस में चेंज कर जाता, किस केस में चेंज नहीं करता, देखोगे तो ये बोलते हैं वेक्टर का रोटेशन हो रहा है, तो रोटेशन जब करेंगे हेड या टेल का वोट, तो वेक्टर क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। वेक्टर क्या हो जाएगा? क्वेश्चंस मिलेंगे, अराउंड 10 क्वेश्चंस मिलेंगे जहां पे इस प्रॉपर्टी का मैं यूज करूंगा, क्वेश्चंस सोल्व करते समय रोटेशन ऐसा करके दिखा देंगे। अभी जो हाथों से दिखाया था उसको यहाँ पे ऐसा दिखाएंगे आप। ये जो प्रोसेस कर रहे हैं क्या हो रहा है? ये दोनों वेक्टर सेम ही है, अलग अलग है, डिफरेंट वेक्टर है, यही तो बता रहा हूँ। रोटेशन करोगे तो दोनों वेक्टर क्या होंगे? डिफरेंट हो जाएंगे। क्या सेम है? तो ऐसा लिखेंगे तो सही है गलत है? ये फोटो दिया हुआ और ऐसा चार ऑप्शन दिया हुआ, तो उन चार ऑप्शन में ये क्या होगा हमारा? सही होगा। कल को ऐसा ऑप्शन दे दिया ए कैप एंड बी कैप, ये सही है गलत है? मैं बोल रहा हूँ सवाल होता है, जब मैं जो चीज़ मैं बोल रहा हूँ उसी को क्वेश्चंस के रूप में एक्सप्रेस किया जा सकता है। ऊपर मैं ऐसा फोटो दे दिया, इसको ए दिखा दिया, इसको क्या दिखा दिया? बी दिखा दिया, चार ऑप्शन बना दिए कि ये कौन कौन सा सही है, तो ऊपर वाला क्या बोलेंगे आप? सही है। और नीचे वाला क्या बोलेंगे? क्यों सही है? क्योंकि आप देख रहे हैं कि जितनी लंबाई यहाँ पे उतनी लंबाई यहाँ पे भी है, बट ये डायरेक्शन जो है ये क्या बताता है आपको? ये सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन बताता है। डायरेक्शन क्या हो जा रहा है दोनों केस में? तो डिफरेंट हो जा रहा है। क्लियर हो गया, याद भी हो गया था, तो आगे नेक्स्ट पार्ट में मूव करेंगे। डज नॉट चेंज, तो ट्रांसलेशन हो किसका किसका ट्रांसलेशन? तो ट्रांसलेशन ट्रांसलेशन वेक्टर का हो या एक्सिस का हो, इस केस में चेंज है? दोनों ही केस में ट्रांसलेशन किसी का भी करते हैं, वेक्टर का एंड एक्सिस का, तो वेक्टर विल नॉट नॉट चेंज। और रोटेशन ऑफ एक्सिस में भी चेंज नहीं करता, रोटेशन ऑफ एक्सिस। तो ये प्रॉपर्टी हमने कल काफी डिटेल में डिस्कशन कर लिया था। ट्रांसलेशन का मतलब देख लें एक बार फिर से, कि ये क्या हमारा एक्सिस खींच दिया गया, ये एक्सिस खींच दिया गया, ये एक्सिस खींच दिया गया, और ये क्या येलो वाला क्या हमारा वेक्टर है। ऐसा फिर मना क्या बोलते हैं, ये करना ऐसा ले गए, ये ले गए, ये क्या प्रोसेस दिख रहा है? ट्रांसलेशन है। तो ये वेक्टर का ट्रांसलेशन किया, वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी कोई असर नहीं पड़ा, डायरेक्शन भी कोई असर नहीं पड़ा, तो वेक्टर क्या हो गया? चेंज नहीं करा, चेंज नहीं करा। अब ये प्रोसेस जो कर रहा हूँ इसको क्या बोलोगे, क्या कर रहा हूँ? इसे एक्सिस का रोटेशन कर रहे हैं, वेक्टर की लंबाई पे और डायरेक्शन पे चेंज कर रहा है क्या? नहीं कर रहा, तो वेक्टर चेंज नहीं करा। या ये क्या कर रहा हूँ बताएगा लोग, ये जो कर रहा हूँ, ये जो कर रहा हूँ एक्सिस का ट्रांसलेशन हो रहा, तो एक्सिस का ट्रांसलेशन से भी वेक्टर चेंज नहीं करता, तो हर एक को याद हो गया। तो आगे मूव कर रहे हैं, नेक्स्ट वन मोर कॉन्सेप्ट देखा था कल, एंगल बिटवीन टू वेक्टर क्या डिफाइंड किया था बेटा, बताएंगे आप? स्मॉलेस्ट एंगल बिटवीन हेड हेड और टेल टेल, स्मॉलेस्ट एंगल बिटवीन हेड हेड और दैट एंगल इज कॉल्ड एंगल बिटवीन टू वेक्टर। जल्दी से डायग्राम बनाएंगे आप लोग, दो वेक्टर ए एंड बी है, उनके बीच का एंगल दिखाएंगे आप, 210 डिग्री एंगल दिखाओगे, दो वेक्टर के बीच का एंगल है, एंगल बिटवीन टू वेक्टर क्या है हमारे पास? एंगल बिटवीन ए एंड बी 210 डिग्री दिखाया जा रहा है, ए एंड बी के बीच का एंगल 210 डिग्री दिखाना, शो आउट करना। हाँ जी, हाँ बेटा, जो है ना कि अगर बोल दिया दिखाने के लिए तो क्या करेंगे आप, शो आउट करोगे ना? मेजरमेंट जो है तो 180 के अंदर आ जाएगा। देखो इधर, वेरी गुड, 150 सही बोल रहे हैं वो भी। ये ए मान लें, ये क्या हमारा ए, और ये क्या हमारा, ये उजला वाला बी है। अभी दोनों के बीच का एंगल कितना? जीरो। दोनों के बीच का भी एंगल
अब जो एंगल 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 5 डिग्री 10 15 90 हो गया, ये कितना हो गया, ये 90, ये कितना हो गया 150 170, ऐसा बोलते जाएंगे। अब कितना हो गया ये 180, कितना हो गया 180. अब 180 में 30 और जोड़ दो, 180 में और 30 जोड़ दें, 210 हो गया। तो ऐसा दिखाएंगे, एक वेक्टर इधर है हमारा, एक वेक्टर इधर है, इन दोनों के बीच का एंगल 150 दिखाया हमने, 210 है, देखेंगे लोग ये अभी कितना एंगल दिख रहा है आपको, जीरो, कितना दिख रहा है जीरो। और इसी को घुमा करके ऐसा करते हैं, आप दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया 180, ये जो है तो पीला वाला और उजला वाला के बीच का एंगल, ये पीला वाला और ये उजला वाला के बीच का एंगल कितना, अब हमें कितना दिखाना है 210। तो 30 और घुमा देंगे, 30 और घुमा देंगे, कौन सा डायरेक्शन घुमा रहे थे बताएंगे लोग, मैं बोल रहा हूँ कि इस डायरेक्शन को ऐसे घुमाने को कौन सा बोलते हैं, क्लॉकवाइज, घड़ी इधर ही चलती है, घड़ी ऐसे ऐसे चलती है, ठीक है। तो क्लॉकवाइज घुमाए जा रहे हैं, 180 तक घुमा दिया क्लॉकवाइज, और 30 डिग्री और घुमा देंगे तो 30 डिग्री नीचे चले गए। अब जो दो वेक्टर है हमारे पास, तो या तो इनको क्या पढ़ सकते हो आप, ये बोल सकते हैं कि बेसिकली ये दो वेक्टर्स हैं हमारे पास और हमने जो सो आउट किया तो यहाँ से ये घूम गया, कितना एंगल घूम गया, ये 210 डिग्री, कितना घूम गया, या इसी को 210 डिग्री बोल सकते हो एंटी क्लॉकवाइज में, सॉरी क्लॉकवाइज में 210 डिग्री क्लॉकवाइज हो गया, या इसी को यहाँ से मेजर कर लें, इधर से मेजर कर लें, तो ये कितना बन जाएगा, यस यस बताएंगे लोग 150। तो आप सही पूछ रहे थे कि हमने कल बताया था कि दो वेक्टर के बीच का एंगल कितना हो सकता है मैक्सिमम 180 हो सकता है, अगर 210 लिख दिया गया, क्या लिख दिया गया, तो क्या करोगे, तो नहीं बोलेंगे 360 में से 210 को माइनस करके निकाल लेंगे, 360 में से कौन सा 210 माइनस करके बता देंगे, क्योंकि ये नियम होता है मैथमेटिक्स का कि कभी भी एंगल 180 से ग्रेटर हो गया, एंगल किससे ग्रेटर हो गया, तो जहां पे भी डिफिनेशन 180 वाला तो वहां पे 2π - θ कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं हम लोग 2π - θ करके तो एंगल बताएंगे, फिर जहां पे ऐसा हो जाएगा, कल को मैंने बोला कि तो 350 डिग्री पर दिखाओ, दो वेक्टर के बीच का एंगल कितना दिखाओ 350, तो 350 एंगल सही है, बट हमारे लिए डिफाइंड कहाँ पे 180 के अंदर डिफाइंड है, तो 360 में से 350 क्या कर लेंगे आप, माइनस कर लेंगे, तो इक्वेलेंट टू 10 डिग्री हो गया, इक्वेलेंट टू 10 डिग्री, ओके। तो एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स डिफाइन किया था आपने, स्मॉलेस्ट एंगल बिटवीन हेड हेड और टेल टेल, और ये केस भी कल कर लिया था हमने कि अगर ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू जीरो है, डायग्राम बना लेंगे लोग, ए प्लस बी प्लस सी जीरो दिया हुआ, डायग्राम बनाएंगे, सिर्फ इतना ही कंडीशन है तो क्या डायग्राम बनाएंगे आप, ट्राइंगल, वेरी गुड, तीन लोग हैं ट्राइंगल, या तो ऐसा बनाए इन दोनों में कौन सा ट्राइंगल सही है, ये इक्वेशन है, ये ऊपर में ऐसे इक्वेशन लिख दिया गया और पूछा कि कौन सा डायग्राम सही है, ये वाला डायग्राम या दोनों, ये डायग्राम या दोनों ही गलत है, ये दोनों सही है दोनों गलत है, क्या है आंसर, दोनों सही है, अगर ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू जीरो तो और सभी वेक्टर्स या तो क्या हो सकते हैं, क्लॉकवाइज हो सकते हैं, ये सभी इनमें क्लॉकवाइज कौन सा है, ये वाला ट्रायंगल क्या हमारा क्लॉकवाइज, सारी ही क्लॉकवाइज हैं और ये सारी क्या हमारे एंटी क्लॉकवाइज हैं, क्लियर बात हो गया होगा, तो तीन के लिए फिलहाल हमने यूज कर लिया। बाय द वे मैं बोलना चाहता हूँ कि मोस्टली किताबों में तीन तक लिखे रहते हैं, कल को चार भी लिखना होगा तो दिखा लोगे, मोस्टली किताबों में हमारे तो तीन के लिए तो यूज होता है, ट्राइंगल का यूज होता है बार बार, दिखा दिया आपको डायग्राम। बाय द वे कल को ऐसा किसी एग्जाम्पल में या किताब में या एग्जाम में कभी दिख गया आपको ये ऐसा लिखा हुआ तो क्या करोगे तुम, तो क्वाड्रिलेटरल बना दोगे और चार साइड्स लोगे, और या तो क्लॉकवाइज सभी को ले सकते हो या सभी को क्या ले सकते हैं आप, तो एंटी क्लॉकवाइज ले सकते हैं, सभी को क्लॉकवाइज या सभी को एंटी क्लॉकवाइज, जो हमने येलो से दिखाया तो सभी क्या है वो, तो सभी एंटी क्लॉकवाइज है, और व्हाइट वाला क्या हमारे क्लॉकवाइज, ज्यादा भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं आपको। तो यहां से एक रिजल्ट तो आपके सामने आ गया, इनसे क्या रिजल्ट बताओगे आप, ये बीच में क्या काम किया हुआ, एडिशन है या सब्ट्रैक्शन है,
तो एडिशन का दूसरा नाम बताया था रिजल्टेंट भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? रिजल्टेंट। तो यहाँ पे क्या पढ़ेंगे इस इक्वेशन को, कि तीन वेक्टर का रिजल्टेंट जीरो है, वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी का रिजल्टेंट क्या है हमारा? जीरो है, ठीक है। तीन वेक्टर का रिजल्टेंट जीरो, तो डायग्राम दिखाना हो तो ऐसे दिखा दोगे, क्लियर बात हो गई। और अगर बोले चार वेक्टर का रिजल्टेंट जीरो है, तो इक्वेशन वाइज ऐसा लिखोगे, डायग्राम वाइज ऐसा लिखोगे। तो तीन के लिए जीरो दिखाया, चार के लिए जीरो दिखाया, आपके अंदर कुछ और आगे आ रहा है? तीन के बाद चार, चार के बाद क्या होता है? पांच रहेंगे तो भी क्या होगा? छह रहेंगे तो भी क्या होगा? सात रहेंगे तो भी क्या होगा? या एन वेक्टर्स रहेंगे तो भी क्या होगा? समझ आ गया होगा? या एन इनफिनाइट साइड वाले वेक्टर रहेंगे तो भी क्या होगा? इनफिनाइट साइड वाले वेक्टर को क्या बोलते हैं? जैसे तीन वाले को ट्रायंगल बोलते हैं, चार वाले को क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं, पांच वाले को पेंटा बोलते हैं, छह वाले को क्या बोलेंगे? हेक्सा। तो वैसे इनफिनाइट साइड वाले को क्या बोलते हैं? तो सर्कल बोलते हैं या रिंग बोलते हैं? इनफिनाइट साइड के पॉलीगन को, इनफिनाइट साइड के पॉलीगन को क्या नाम से पुकारते हैं? सर्कल या रिंग। तो उनका भी वैल्यू क्या हो जाएगी? तीन वेक्टर का सम जीरो, चार का वेक्टर का सम जीरो, पांच वेक्टर का सम जीरो, तो क्या बोलेंगे? इनफिनाइट वेक्टर का भी सम क्या हो जाएगा? और उसका ज्योमेट्री में क्या नाम है? इनफिनाइट वेक्टर के सम का जीरो को क्या नाम है? रिंग नाम है। क्लियर बात हो गई होगा? तो और इसे नाम से क्या पुकारते हैं? तो एन साइडेड पॉलीगन और एन वेक्टर्स किसी पॉइंट पे काम कर रहे हैं, एन वेक्टर्स किसी ऑब्जेक्ट पे काम कर रहे हैं, एन वेक्टर्स किसी ऑब्जेक्ट पे काम कर रहे हैं, और अगर वो वेक्टर सब लोग मिलकर के क्लोज्ड पॉलीगन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? क्लोज्ड पॉलीगन को, उनका रिजल्टेंट कितना आता है? जीरो आता है। ये थ्योरम है, ये क्या है? आगे जाके तो मल्टीपल जगहों पे से यूज करेंगे। तीन वेक्टर के लिए भी ट्रू है, चार के लिए भी ट्रू है, और एन वेक्टर के लिए भी ट्रू है, या इनफिनाइट वेक्टर के लिए भी ट्रू है। लेकिन क्या जरूरी है उस केस में? वो एन वेक्टर्स क्या होना चाहिए? क्लोज्ड पॉलीगन को रिप्रेजेंट करना चाहिए। और कैसे पॉलीगन को? सेम सेंस में। एन वेक्टर्स अगर किसी पॉलीगन के साइड्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और सेम सेंस में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो उन सभी एन वेक्टर्स का सम किसके बराबर हो जाता है? जीरो हो जाता है। किसके बराबर हो जाते हैं? ओके, तो जीरो पे भी आगे भी आएंगे हम लोग। जनरल नॉलेज के लिए बोल देता हूँ कि जीरो इज द हीरो ऑफ फिजिक्स। क्या बोलते हैं इसे? जहां पे भी जीरो आ गया तो आपके लिए क्या हो गया? वो रिजल्ट हो गया, और क्वेश्चंस में उनका एप्लीकेशन होगा। तो डायलॉग क्या बनाते हैं हम लोग? जीरो इज द हीरो ऑफ फिजिक्स, जीरो इज द हीरो ऑफ फिजिक्स। आगे मूव करेंगे, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम लोग मूव कर रहे हैं। तो अभी तक हम लोग कौन कौन से कॉन्सेप्ट डिस्कशन कर लिया? तो किस केस में वेक्टर चेंज कर जाता, किस केस में वेक्टर चेंज नहीं करता, ये कॉन्सेप्ट हो गया। एंगल बिटवीन टू वेक्टर का कॉन्सेप्ट हमने डिफाइन कर लिया, स्मॉलेस्ट एंगल बिटवीन हेड हेड और टेल टेल। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी में हम लोग जा रहे हैं कॉम्पोनेंट ऑफ ए वेक्टर। कॉम्पोनेंट 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 ऑफ ए वेक्टर। तो पहले तो पांच बातें थ्योरेटिकल सुन लेंगे जो कि आपको क्वेश्चन में मिलेंगे। कॉम्पोनेंट किसी वेक्टर का जनरल नॉलेज सुन लेंगे, कलम रख के सुन लेंगे पहले। जितना कम से कम कलम का इस्तेमाल करने की कोशिश करें, जहां पे लगे कि तुम बहुत ज्यादा मस्ट है कि हमें लिखना ही है तब उसे लिखें, अदरवाइज जो है कि तो समझने की कोशिश करें, पहले समझ लें उसके बाद लिखें। कंपोनेंट सिंपल पूछ दिया आपसे कि अगर कहीं यहां से नीचे गए, तुमसे पूछ दिया कि तुम क्या पढ़ के आ रहे हो, तुम बोले फिजिक्स पढ़ के आ रहा हूं। कोई आदमी पूछ दिया कि बता दो, तुम सिंपल से एक क्वेश्चन का जवाब दे दो, मान लूंगा तुमने फिजिक्स पढ़ा। इतना ही क्वेश्चन पूछ दिया कि किसी वेक्टर के कंपोनेंट की जनसंख्या बता दो, किसी वेक्टर के कितने कंपोनेंट होते हैं, कंपोनेंट का बेसिक मीनिंग क्या होता है? टुकड़ा। कंपोनेंट का बेसिक मीनिंग क्या होता? तो बोल दिया किसी वेक्टर के कितने टुकड़े होते हैं बता दो, तो बोलेंगे इनफिनाइट। क्या आंसर देंगे आप? समझ आ गई बात? अगर बोल दिया कि किसी वेक्टर के कितने कंपोनेंट है तो क्या आंसर देंगे? समझ आई बात? बहुत पुराने जमाने में जो है ना ऐसे एक क्वेश्चन पुट किया जाता था कि कोई बच्चा गया आईएएस के इंटरव्यू में, आपको पता है ना कि और इंटरव्यू में तो डिफरेंट टाइप के सवाल पूछे जाते हैं। तो जो इंटरव्यू करने वाला पर्सन था, तो उसने क्या करा, उसको एक कांच के गिलास में पानी पीने के लिए दिया और बोला पियो। जब उसने पी लिया, उसके बाद पूछा कि इस गिलास में कांच के कितने टुकड़े हैं, इस गिलास में कांच के कितने टुकड़े हैं। तो उसने गिलास को छोड़ दिया और चला गया, बोला आप गिन लीजिए। गिलास गिरा नीचे, टूट गया। उसके बाद उसने बोला, और उसका फिर सिलेक्शन हो गया। मतलब आंसर क्या था?
मतलब आंसर वही था कि आप खुद ही काउंट कर सकते हैं इसमें कितने टिकट टुकड़े हैं। इनफिनाइट जो थ्योरेटिकल देता है ना, उसने क्या कर दिया, अरे प्रैक्टिकल कर दिया। जो क्वेश्चन पूछने वाला था वो भी एक्सपेक्टेशन उसका यही रहा होगा, लेकिन उसका लाइक माइंड का जो आईक्यू देख करके उसने, तो वो भी दंग रह गया और उसको उस साल के हाईएस्ट नंबर मिले उसे। समझ आई बात नहीं? थ्योरेटिकल के साथ साथ उसे क्या, उसने क्या कर दिया, प्रैक्टिकल कर दिया। बात क्लियर हो गई? तो ये सिंपल से आपको बोला जा रहा है कि किसी वेक्टर के कितने कंपोनेंट होते हैं, इनफिनाइट कंपोनेंट होते हैं। लेकिन इसमें दूसरा क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि किसी वेक्टर के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट कितने होते हैं, किसी वेक्टर के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, रेक्टेंगुलर रेक्टेंगुलर रेक्टेंगुलर, रेक्टेंगुलर का मतलब क्या होता है पहले तो वो जानेंगे कि रेक्टेंगल का मतलब होता है एंगल 90 डिग्री को रेक्टेंगल बोलते हैं। एंगल दो साइड्स में 90 डिग्री एंगल हो तो क्या बोलते हैं उसे, रेक्टेंगल। तो बोल दिया किसी वेक्टर के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट बताओ, कौन सा कंपोनेंट बताओ, रेक्टेंगुलर। क्लियर बात हुई? तो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट के बारे में बोलेंगे, अगर जो वेक्टर स्पेस में है, वेक्टर कहाँ पे है, स्पेस का मतलब थ्री डायमेंशन बोलते हैं, तो यहाँ बोलते तीन कंपोनेंट होंगे और नाम भी जानते हैं आप, एक्स वाई जेड। वेक्टर के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट थ्री डायमेंशन में बताओ, स्पेस में बताओ, तो डेट विल बी रेक्टेंगुलर कंपोनेंट विल बी स्पेस में थ्री रेक्टेंगुलर कंपोनेंट डेट विल बी थ्री। और यही जो है सवाल, सेम क्वेश्चन, गुड। टू डी में, टू डी और थ्री डी में आंसर लेकिन डिफरेंस देख लेंगे आप, टू डी और थ्री डी में डिफरेंस। टू डायमेंशन का मतलब जिस बिस्तर पे आप सोते हो वो बिस्तर क्या हमारा, टू डायमेंशन। या जो नीचे ग्राउंड देख रहे हो ये क्या हमारा, टू डायमेंशन है। और तुम इस पर नाचना शुरू कर दिए तो तुम्हारा जो मोशन हो रहा कौन से डायमेंशन में हो रहा, थ्री डी में हो रहा। तुम नाचना शुरू कर दो या मंकी नाचना शुरू कर दे या मॉस्किटो का जो मोशन होगा, तो ये जो मोशन कर रहा हो कौन से डायमेंशन में हो रहा। समझ आई बात नहीं? मॉस्किटो ऐसे भी चलता है, ऐसे उड़ जाता है, इधर उड़ जाता है, तो ये मोशन कैसे हो रहा है। समझ आई बात नहीं? तो इसी को पूरा क्या बोलते हैं, थ्री डायमेंशन को स्पेस बोलते हैं। हमारे जैसे ना ऐसे जो डायमेंशंस तो बहुत होते हैं, बट हमारे सिलेबस में जो पढ़ना होता है कितने होते हैं हमारे लिए, तीन ही होते हैं। थ्री डायमेंशन में हम लोग पढ़ेंगे। और रेक्टेंगुलर कंपोनेंट की संख्या यहाँ पे कितनी होगी थ्री डायमेंशन में, तो रेक्टेंगुलर पूछेंगे तीन, और सिर्फ कंपोनेंट पूछेंगे तो क्या देंगे आंसर, इनफिनाइट। एंड इसमें अगर तो प्लेन के बारे में बोल दीजिए, मॉस्किटो का जो मोशन होता है तो वो क्या होता है, थ्री डायमेंशन में होता है, स्पेस में होता है। जबकि आप जो बिस्तर पे सोते हैं, जिस बिस्तर पे सोते थे वो क्या होता है, टू डायमेंशन होता है। और वहां पे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट का आंसर कितना देंगे आप, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट इन प्लेन डॉट डब्ल्यू टू। अब कंपोनेंट लेना सीख लें हम लोग, किसी वेक्टर का कंपोनेंट कंप्लीट वेक्टर होगा तो बताओ। मैं बोलना चाहता हूँ जब भी मैं वेक्टर बोल रहा हूँ इसका मतलब क्या हो रहा है, जब वेक्टर बोल रहा हूँ तो उसके पास मैग्नीट्यूड है, ये क्या है, मैग्नीट्यूड है, और साथ में क्या है, डायरेक्शन है। उनका एक पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है, उनका एक लाइन ऑफ एक्शन है, और ट्रायंगल रूल को फॉलो कर रहा है। इतना साइमल्टेनियसली मैं बोल रहा हूँ, जब भी मैं वेक्टर बोल रहा हूँ तो क्या क्या बोल रहा हूँ कि इसके पास मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन है, ट्रायंगल रूल को फॉलो करता है, इनका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन होता है, लाइन ऑफ एक्शन होता है, ये सारे चीज मैं बोल रहा हूँ। तो ये क्या है, कोई वेक्टर है, इसकी लंबाई आपको दिख रही होगी और हॉरिजॉन्टल इतने एंगल पे है, ये डायरेक्शन भी दिख रहा है आपको। अब बोलते हैं कि इसके जो कुछ कंपोनेंट जो है एक्स एक्सिस पे आएंगे, इस वेक्टर का कुछ कंपोनेंट एक्स पे आएगा और कुछ कंपोनेंट कहाँ पे आएगा, वाई पे आएगा। मान लीजिए इस वेक्टर का नाम देते ए, तो ये वेक्टर की लंबाई ए है और ये जो लंबाई निकालना है, ये लंबाई बोलते हैं एंगल के सामने है, तो ये साइन थीटा बोलते हैं। और ये जो वेक्टर ये है उसका कितना प्रोजेक्शन इस पर गिरेगा, तो डेट विल बी ए कॉस थीटा। क्या बोलते हैं इसे, ये वेक्टर ओरिजिनल था, वो वेक्टर एक्स एक्सिस के साथ एंगल थीटा बना रहा है, इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना बोलते हैं, ए कॉस थीटा, और एंगल के सामने वाला कंपोनेंट। आगे से याद ऐसा रखते हैं हम लोग, डायलॉग होता है कि जिसके साथ एंगल हो उधर कॉस थीटा कंपोनेंट, एंगल के सामने में साइन थीटा कंपोनेंट। एंगल के सामने यहाँ पे दिखा सकते हैं या इसको यहाँ पे दिखा सकते हैं, एक ही बात, ये लंबाई और ये लंबाई क्या होगी, सेम ही होगी। जिधर एंगल है उधर कौन सा कंपोनेंट, कॉस थीटा।
और सामने वाला साइन थीटा, तो कंपोनेंट ऐसे ले लेंगे। बाकी है वैल्यूज आपको दिख गया सामने में, कुछ कंपोनेंट की और बातें सुन लें। किसी और को फील अगर चाहिए कि फील होता क्या है, कंपोनेंट होता ही क्या है बताओ, लोकल लाइफ में कंपोनेंट होता ही क्या है। तो रणबीर कपूर का नाम सुना होगा आपने, तो उससे पूछा गया कि जो उसके साथ एक चाइल्ड हुआ, तो चाइल्ड हुई है तो उसके बाद पूछा गया कि उसका चेहरा किससे मिलता है, तो उसने बताया कि उसका चेहरा कभी आलिया से मिलता है, कभी हमसे मिलता है, समझ आई बात नहीं। और बोला कि शुक्र है कि हम दोनों से मिलता है, किसी और से नहीं मिलता। मतलब जो आउटपुट आ रहा है, प्रोडक्ट आ रहा है, तो डेफिनेटली जो है उसमें जो जिससे वो बना हुआ उनके कंपोनेंट्स आपको क्या होंगे, रिफ्लेक्ट होंगे। अरे वो उन दोनों के मिक्सचर से बन के आया ना वो चाइल्ड, तो उनके कंपोनेंट उसमें क्या होगा, रिफ्लेक्ट होंगे। अरे ये तो पढ़ा होगा मेंडल में या इनमें, उनके लेग प्रॉपर्टीज रिफ्लेक्ट होते हैं, एक्सप्रेशन आता है उनका, क्षमा जाए बात नहीं आई। तो सेम चीज यहाँ मैं बोल रहा हूँ कि जो वहाँ पे क्या था, जो मेंडल में पढ़ते हैं कि जो भी आप सीट डालते हैं उनके रिफ्लेक्शन आते हैं इनमें, तो उनका जो डेवलपमेंट होता है, तो सेम चीज़ यहाँ बोला जाएगा। अगर वेक्टर है, इस वेक्टर का कुछ प्रोजेक्शन एक्स एक्सिस पे आएगा और उस कुछ प्रोजेक्शन कहाँ जाएगा, ये बात आपको पता है कि नहीं पता है कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस क्या है, जिसको आप बायोलॉजी में एक्स एक्स या एक्स वाई पढ़ते हो। अरे पढ़ते होगा ना एक्स 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 वाई, तो उसी को न्यूटन ने यहाँ पे क्या बोला, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, कोई अलग चीज नहीं है, समझ आ रहा बात। मैं बोलना ये चाह रहा हूँ, एक बात तो ये बोलना चाहता हूँ कि जितने भी साइंस हैं वो सारे एक ही हैं, उसी साइंस को बायोलॉजी में यहाँ पर एक्सप्रेस किया, उसी इंफॉर्मेशन को, और उसी इंफॉर्मेशन को किसमें एक्सप्रेस किया गया, मैथमेटिक्स में भी, या उसी एक्सप्रेशन को कहाँ एक्सप्रेस किया गया, फिजिक्स में भी, सभी चीज़ों को तो एक्सप्रेस किया गया, बस डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज में, उसी इंफॉर्मेशन को डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज में क्या किया गया। तो जो आप बायोलॉजी में एक्स और एक्स पढ़ते हैं और उसको बोलते हैं जो भी नाम देते हैं आगे फर्दर आप जानते होंगे, या एक्स वाई बोलते हैं, उसी को यहाँ पे क्या बोलते हैं, दिस इज द एक्स एक्सिस, दिस इज द, और यही बोला जा रहा है कि एक ओरिजिनल वेक्टर है, तो उनका कुछ प्रोजेक्शन कहाँ पे आएगा, एक्स पे आएगा, और उसका कुछ शैडो कहाँ पे गिरेगा, वाई पे गिरेगा। जो प्रोजेक्शन गिरता है उसको यही प्रोजेक्शन बोलते हैं, या एक्स कंपोनेंट भी बोलते हैं, या इसको क्या बोलते हैं, वाई प्रोजेक्शन या वाई कंपोनेंट, वाई प्रोजेक्शन या, बात क्लियर हो गया वो लोगों को। कोई नया चीज नहीं पढ़ रहा है इसलिए कोई घबराने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी आप जानते हैं, जैसे हमें एक्सप्रेस करना। बाकी किसी को इंटरेस्ट है इसमें कि कैसे आ जाता है, तो उनके लिए, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं है इनको नाम से, अदरवाइज हम लोग ए एक्स बोलेंगे और ए वाई बोलेंगे, पूरी जिंदगी आपको इसी से काम चल जाएगा। बट जो जानना चाहते हैं तो ऑलरेडी आप जानते होंगे, ये ट्रायंगल देख लो, ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल में क्या नाम दे दिया, तो ये बेस है, बेस को कितना वैल्यू मान लिया, ए एक्स मान लिया, तो बच्चा क्या बताएगा, कॉस थीटा की वैल्यू कितनी होगी ट्रायंगल में, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, ऐसा सुना होगा आपने, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो कितना आ जाएगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ए एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, ए कॉस थीटा आ जाएगी, और यहाँ पे इसी ट्रायंगल में ये ए वाई है, तो साइन थीटा कितना मेजर करोगे, तो परपेंडिकुलर बाय बेस, सॉरी साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस, तो परपेंडिकुलर ए वाई और हाइपोटेन्यूस कितना हमारा, तो ए वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, ए वाई की वैल्यू ए अब फिर से ये इस बात को ध्यान से सुन लेंगे कि आपने पढ़ लिया तो ये फिजिक्स है, एक्स इक्वल टू ए कॉस थीटा और ए वाई इक्वल टू, बेसिकली अगर मैथमेटिक्स में पढ़ते तो हम लोग यहां से काम करते हैं कि साइन थीटा की वैल्यू लिखो, कॉस थीटा की वैल्यू लिखो, समझ आई बात नहीं। मैं बोलना चाहूँ आया तो ये फार्मूला यहीं से, प्रोसेस है यहां से आया, बट मैं बोलना चाहता हूँ फिजिक्स में इसी तरीके से अप्लाई करेंगे, यहां पर नहीं जाएंगे, बार बार बोलेंगे इधर एक वेक्टर होता है, वेक्टर का जिसके साथ एंगल दिया उधर क्या ले लेंगे, कॉस थीटा, और एंगल के सामने वाला क्या ले लेंगे, साइन थीटा ले लेंगे। आगे चल के मैं जब से ना मोस्टली लोग इसी को यूज करते रहते पूरी लाइफ टाइम में, तो ये जब यूज कर रहे हैं तो क्या यूज कर रहे हो तुम, मैथमेटिक्स यूज कर रहे हो, फिजिक्स ये कहता है एक स्टेप आगे की चीज होती है फिजिक्स, बात क्लियर हो गई होगी। साइन थीटा की वैल्यू ए वाई बटे ए आ रहा है, और ए वाई का तो वैल्यू कितनी आ गई, ए साइन थीटा हो गई, क्लियर बात हो गई। ए वाई को क्या बोलते हैं, वाई कंपोनेंट, और ए एक्स को क्या बोलते हैं, एक्स कंपोनेंट, ए वाई को वाई कंपोनेंट, ए एक्स को एक्स कंपोनेंट। और देख लेंगे यहाँ पे जनरल नॉलेज, बचपन में आपने सुना होगा कि साइन थीटा जो कॉस थीटा जो होते हैं
साइन थीटा कॉस थीटा की जो वैल्यू एक्सट्रीम वैल्यू जो होती है माइनस वन से प्लस वन में होती है, माइनस वन से प्लस वन के बीच में होती है। और इसी एक्सप्रेशन को ध्यान देखोगे, इसी एक्सप्रेशन को ए से गुना कर दो सभी जगहों पे, कर सकते नहीं कर सकते हैं? यहां भी ए से गुना कर दे, यहां भी ए से कर सकते हैं, कर सकते हैं ऐसा काम? तो इसको अब क्या पहचान करोगे, ए साइन थीटा किसको क्या रिप्लेस कर देंगे, ए बाई ए, या क्या बोलेंगे वाई कॉम्पोनेंट है वो, ए वाई है या वाई कॉम्पोनेंट। तो वाई कॉम्पोनेंट कहां से कहां तक हो गया, वाई कॉम्पोनेंट की वैल्यू कहां से कहां तक हो गया, माइनस ए से तो प्लस ए तक। इसको क्या बोलेंगे क्वेश्चन में, ये क्या पुट करेगा, ये हर एक क्वेश्चन हर एक किताब में तो क्वेश्चन के फॉर्म में दिया हुआ, डेफिनेटली आपको तो एप्लीकेशन भी होगा। वाई कॉम्पोनेंट की वैल्यू कहां से कहां तक है, माइनस ए से प्लस ए तक। इसको लैंग्वेज में लिखना होगा तो कैसे लिखोगे, ये बोलोगे ध्यान दोगे, किसी वेक्टर का जो कंपोनेंट होता है, वेक्टर का जो वो एक्चुअल वेक्टर से या तो बराबर होगा या क्या होगा छोटा होगा, बड़ा कभी भी नहीं होता। तो क्वेश्चंस में यही पुट किए रहते हैं कि कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर इज, चार ऑप्शन दिए रहते हैं, कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर इज, चार ऑप्शन दिए रहेंगे तो सही कौन सा होगा, किसी वेक्टर का कंपोनेंट या तो उसके बराबर होगा या उससे छोटा होगा, बड़ा नहीं होगा। किसी वेक्टर का कंपोनेंट या तो वेक्टर के बराबर होगा या उससे छोटा होगा, बड़ा नहीं हो सकता। तो यही स्टेटमेंट ट्रू होगा। लैंग्वेज में भी आप लिख लेंगे जहां क्वेश्चन रहेगा तो लैंग्वेज में प्लेस किए रहेंगे कि कॉम्पोनेंट ऑफ ए वेक्टर इज लेस देन और इक्वल टू ओरिजिनल वेक्टर, कॉम्पोनेंट ऑफ ए वेक्टर इज कॉम्पोनेंट ऑफ ए वेक्टर इज लेस देन और इक्वल टू ओरिजिनल वेक्टर, लेस देन और इक्वल टू, कॉम्पोनेंट ऑफ ए वेक्टर इज लेस देन और इक्वल टू ओरिजिनल वेक्टर, ले कोई वेक्टर बच्चा जो ए वाई एक्स के लिए प्रूफ कर सकता है, ए एक्स के लिए वाई कंपोनेंट प्रूफ कर देगा कि वाई कंपोनेंट क्या था, या तो वेक्टर के बराबर होगा या उससे छोटा होगा। अगर एक्स कंपोनेंट के बारे में चर्चा करना होगा तो ऐसे देख लोगे, नोट भी कर लिया होगा, लैंग्वेज कंपोनेंट ऑफ वेक्टर इज लेस देन और इक्वल टू ओरिजिनल वेक्टर, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर इज लेस देन और इक्वल टू ओरिजिनल वेक्टर। अगर कॉस थीटा कंपोनेंट के बारे में पूछा जाए तो कॉस थीटा के बारे में भी बाउंड्री वैल्यू लिख लेंगे, कॉस थीटा का भी बाउंड्री वैल्यू लिख लेंगे माइनस वन से प्लस वन, इसी के रेंज में होगा, इससे आगे इसके औकात इतनी है, इससे बाहर नहीं जा सकता, माइनस वन से प्लस वन में ही होगा ये। इसको फिर से क्या कर लोगे, ए से गुना कर दो सब जगहों पे। अब ए से गुना करने के बाद जो बन गया तो बीच वाले टर्म को क्या बोलोगे आप, तो एक्स कंपोनेंट है ये, तो ए एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक, माइनस ए से प्लस ए, इसके लिए भी यही लागू हो गया, कंपोनेंट वेक्टर से या तो छोटा होगा या बराबर होगा, बड़ा नहीं हो सकता। तो ये तो अच्छी बात है कि छोटा होता कंपोनेंट वेक्टर से छोटा था, अच्छा है ये। थोड़ा बहुत आश्चर्य नहीं हो रहा कि बराबर कब हो जाएगा, ऐसा बराबर कब हो जाएगा, तो गुड बोलेंगे क्या बराबर कब हो जाता है, तो कोई वेक्टर क्या हो तो ऐसे देख लें कि बेसिकली अभी हमने वेक्टर ऐसे दिखाया था कि ये हमारा वेक्टर था, इसका कुछ साइड एक्स पे आएगा कुछ वाई पे आएगा, ठीक है। तो इस केस में डेफिनेटली जो कंपोनेंट होंगे डेफिनेटली एक्चुअल वेक्टर से क्या होगा, लेस होगा। बट स्पेशल कोई वेक्टर ले ले जो कैसा है, वेक्टर हॉरिजॉन्टल ही है, वेक्टर कैसा है हमारा हॉरिजॉन्टल ही है, तब इस केस में क्या बोलेंगे कि ये जो वेक्टर है तो इसका एक्स कंपोनेंट और जो वेक्टर है दोनों बराबर हो गया, और इसका वाई कंपोनेंट कितना हो गया, जीरो हो गया, इसका प्रोजेक्शन इधर कितना हो गया, नहीं है, ठीक। इसको नाम से क्या पुकारते हैं, हॉरिजॉन्टल वेक्टर, या जनरल नॉलेज में आपको यूज क्या होगा, तो आगे चल के हम लोग यूज करेंगे, किसी प्रोजेक्टाइल को हॉरिजॉन्टली फेंक दिया गया, प्रोजेक्टाइल को क्या कर दिया गया, तो बोलेंगे उसकी हॉरिजॉन्टली 10 मीटर पर सेकंड से फेंक दिया गया, प्रोजेक्टाइल को हॉरिजॉन्टली 10 मीटर पर सेकंड से फेंक दिया गया, तो बोलेंगे प्रोजेक्टाइल की हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड है, और वर्टिकल कितना है, जीरो है, वर्टिकल कितना है। और ये प्रोसेस का यूज होगा, ये जो सेंटेंस में बोल रहा हूं तो इनका यूज होगा, ऑलरेडी बता रखा है, नहीं बता रखा हमने कि ये यूज करूंगा, कहां पे बताया,
जो फंडा दिया है कि जीरो इज द हीरो ऑफ फिजिक्स। यहाँ आप यही बोल रहे हो कि अगर किसी वेक्टर को हॉरिजॉन्टली दिखाओगे तो उनका वर्टिकल कंपोनेंट कितना हो गया, जीरो हो गया। इफ ए वेक्टर इज अलोंग द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन देन इट्स वर्टिकल कंपोनेंट विल बी तो जीरो। जब भी यहां से निकला तो इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाएगा, उनको क्वेश्चंस बनाने के लिए हम लोग यूज करेंगे, कंडीशन हो जाता है वो। तो अगर आप बोलेंगे किसी वेक्टर को तो क्या कर दिया आपने, तो थ्रो आउट कर दिया ऐसा, तो वर्टिकली फेंक दिया, ऊपर फेंक दिया। तो इस केस में क्या बोलेंगे, वर्टिकल कंपोनेंट तो है बट हॉरिजॉन्टल कितना हो गया, किसी ऑब्जेक्ट को हॉरिजॉन्टल फेंकोगे तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, वर्टिकल जीरो होगा। अब वर्टिकल फेंकेंगे तो हॉरिजॉन्टल जीरो हो जाएगा, वर्टिकल फेंकेंगे तो क्या जीरो हो जाएगा हमारा। तो समझ आ गया होगा कि बराबर कब होता है, मजा आ गया आपको कंपोनेंट में, तो देख लेंगे कुछ। हाँ जी बोलो बोलो। तो अदर पार्ट्स में तो कुछ कंपोनेंट लेना सीख लें आप, बाकी कंपोनेंट्स में तो एक ऐसा भी देख लें कि जैसे इसका कंपोनेंट यहां और यहां पे आएगा तो ये दोनों क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। कंपोनेंट में इधर इधर रहेगा तो क्या लोगे, पॉजिटिव, और ये अगर इधर और इधर रहेगा तो निगेटिव पॉजिटिव, इसको क्या बोलते हैं, प्लस प्लस। पहले एक्स लिखते हैं फिर वाई लिखते हैं, एक्स स्क्वायर एंड देन वाई। आपने सुना होगा अभी तो मुकेश अंबानी ने एक तो कल्चरल सेंटर खोला, तो उसका नाम क्या रखा उसने, उसका नाम रखा नीता मुकेश अंबानी। नीता क्यों रखा ऐसा, अरे फीमेल फर्स्ट होता है ना, पहले एक्स फिर, तो यहाँ पे भी ये अप्लाई किया गया कि पहले यहाँ पे लिखा हो तो एक्स कोऑर्डिनेट लिखते हैं, फिर कौन सा कोऑर्डिनेट लिखते हैं, ये एक्स एंड वाई। जब यहाँ पे जाएंगे तो क्या होगा, एक्स इधर है और वाई, तो माइनस एक्स प्लस एंड प्लस वाई लेंगे, माइनस एक्स एंड प्लस वाई, माइनस एक्स प्लस वाई, और यहाँ पे बच्चा बताएगा दोनों माइनस, और यहाँ पे प्लस एंड माइनस, तो ऐसे आप यूज कर लेंगे। जब इस क्वाड्रेंट में आएगा वेक्टर हमारे यहाँ रहेगा, दोनों कंपोनेंट्स पॉजिटिव होंगे, जब वेक्टर यहाँ पे होगा तो एक्स निगेटिव वाई, वेक्टर जब यहाँ होगा तो बोथ निगेटिव और यहाँ होगा। क्लियर हो गया होगा लोगों को, तो जस्ट देख लें, जस्ट कंपोनेंट लेना सीख लें आप, जिसके साथ एंगल है उधर कौन सा कंपोनेंट, कॉस थीटा, और दूसरी तरफ साइन थीटा। मान लें एंगल 53 डिग्री, एक वेक्टर है और एंगल कितना 53 डिग्री, 100 न्यूटन का मैग्नीट्यूड का वेक्टर है, जिधर एंगल उधर कौन सा कंपोनेंट छाप दोगे ऐसा, और इधर कौन सा कंपोनेंट छाप देंगे, तो ऐसा जो डेफिनेटली रूप से आपको समझ में आ गया होगा। ये वेक्टर है, ये एंगल है, जिसके साथ एंगल है उधर कॉस में छापेंगे, और जिसके दूसरी तरफ किस में छापेंगे आप, और बाकी जनरल नॉलेज के लिए तो ये मेंशन कर लेंगे आप कि ये 37 और 53 दो एंगल्स होते जो कि आपको याद रखना, जिनको याद है तो बढ़िया है, नहीं है तो डेफिनेटली याद कर लेंगे। बाकी जो है साइन और कॉस एंड टैन में तो अदर एंगल्स आपको पता होता है, साइन कॉस एंड टैन। अगर आपको ऑलरेडी याद है तो बढ़िया है, नहीं याद है तो आप डेफिनेटली तो इंश्योर करेंगे आपको याद हो, बार बार हमें जरूरत पड़ेगी है। उल्टा कर देंगे आप 4/5, 3/5, और यहाँ पे दोनों का रेशियो ले लोगे, टैन का मतलब साइन और कॉस का रेशियो को ही टैन बोलते हैं, तो 3/4 और 4/3, कैसे इंश्योर करेंगे याद हो। फिर से आज मैं स्टेटमेंट दे रहा हूं कि अगर आप वेक्टर में कंपोनेंट निकालना सीख लिए, वेक्टर का क्या निकालना सीख लिया आप, अराउंड 20-25% कंप्लीट हो जाता फिजिक्स। मैं आज स्टेटमेंट दे रहा हूं, जब कंप्लीट पूरा फिजिक्स कंप्लीट हो जाएगा तभी मैं बोलूंगा देखो मैं पूरे फिजिक्स में बस कंपोनेंट लेता रहा, 25% जगहों पर मैं क्या करता रहूंगा, सिर्फ कंपोनेंट यूज करता रहूंगा और मैं आंसर निकालता रहूंगा, और आप ये जो इस बात को जो लोग मान लेंगे वो भी उनका भी आंसर निकलता रहेगा, और कुछ डिफिकल्टी आएगी तो वो भी रिमूव हो जाएगा। जो मान लेंगे तो डेफिनेटली 25% जगहों पे बस सिर्फ और सिर्फ हम लोग क्या करते रहते हैं, वेक्टर्स का कंपोनेंट लेते रहते हैं। फिलहाल अपने तो इस केस के लिए तो एंगल की वैल्यू जो आप रख देंगे यहाँ पे 100 न्यूटन का मैग्नीट्यूड का वेक्टर है और 53 डिग्री एंगल है, तो एक्स कंपोनेंट कितना आ गया हमारा 100 × cos 53, आगे का वैल्यू जो आप मेंशन कर लेंगे 3/5 या 4/5, cos 53 डिग्री का वैल्यू 3/5, तो सिंप्लीफाई करके कितना जा रही है, और यहाँ पे sin 53 की वैल्यू बताएंगे लोग, सिंप्लीफाई करके कितना जा रही है, तो x एंड y कंपोनेंट आ गया, दोनों प्लस प्लस या प्लस माइनस, तो कंपोनेंट में यूज करना होगा तो प्लस 60 एंड प्लस 80 आ जाएगा।
तो जल्दी से ब्रेक डाउन कर दें इसे, कंपोनेंट्स में ब्रेक डाउन कर दें आप। थर्टी सेवन डिग्री है, जो छोटा सा 20 न्यूटन का फोर्स है। ब्रेक डाउन करते हैं, एक्स और वाई कंपोनेंट निकाल, जल्दी से प्रैक्टिस के लिए बोल रहा हूँ, जल्दी जल्दी बोल दें कितना वैल्यू आ रहा है फाइनल वैल्यू। हाँ, 20 cos 37 डाट विल प्लस 16 या माइनस 16? माइनस 16। एक्स कंपोनेंट की वैल्यू और वाई कंपोनेंट की वैल्यू सभी बच्चा ने निकाल लिया, इधर 16 आ जाएगा और इधर 12 आ जाएगा। प्रैक्टिस के लिए कर लिया लोगों ने। सिंगल वेक्टर में कोई दिक्कत रही किसी को? दो लोग रहेंगे, दोनों का कंपोनेंट लेना होगा, तो कैसे करेंगे ध्यान सुन लोगे? सिंगल सिंगल वेक्टर रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं आ रही आपको कंपोनेंट लेने में। दो वेक्टर्स रहेंगे या साइमल्टेनियसली तीन वेक्टर रहेंगे, चार वेक्टर रहेंगे, उनके कंपोनेंट लेना होता। सिंगल सिंगल वेक्टर में कोई दिक्कत नहीं है, जिसके साथ एंगल उधर कॉस थीटा दूसरी तरफ। सिंगल सिंगल वाले का देखने आपको एक जाना पहचाना डायग्राम दिखा देता हूँ, क्योंकि जो कि बार बार हमें यूज करना पड़ेगा आगे चल करके। इनक्लाइंड प्लेन, इनक्लाइंड प्लेन पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ? हाँ जी, ऑब्जेक्ट रखा हुआ तो डेफिनेटली बच्चा जानता है कि उसका क्या एक्ट करेगा, वेट। वेट का क्या है? तो फोर्स है। तो एक इनके कंपोनेंट लेकर के तो डिस्कशन कर देता हूँ। ये ऐसा इनक्लाइंड प्लेन का इंक्लिनेशन कितना हमारा? इनक्लाइंड प्लेन का इंक्लिनेशन थीटा है, ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इसका वेट कहाँ एक्ट कर रहा है? वर्टिकली डाउनवर्ड, नेचुरल प्रोसेस है, क्योंकि वेट एक्ट्स वर्टिकली डाउनवर्ड। तो पहला तो एक सेंटेंस सुनो कि जो कंपोनेंट्स में, तो अभी तक चार बातें आई हैं आपके सामने। पहला तो कंपोनेंट इनफिनाइट होते हैं, और रेक्टेंगुलर कंपोनेंट स्पेस में तीन होंगे और प्लेन में दो होंगे, और कंपोनेंट अगर कोई वेक्टर दिया हुआ और एंगल दिया हुआ, तो जिसके साथ एंगल उधर कॉस थीटा दूसरी तरफ साइन थीटा, और कंपोनेंट एक्चुअल वेक्टर से छोटा होगा या बराबर होगा, बड़ा नहीं हो सकता। वन मोर इन्फॉर्मेशन, कंपोनेंट में जब कंपोनेंट ब्रेक करते हैं तो ये देखोगे हमने यहाँ पे जो ब्रेक किया था किधर किधर किया? बाई एंड एक्स में। यहाँ पे कहाँ किया? यहाँ भी कहाँ किया? बाई और एक्स में। बाई और एक्स में क्या रिलेशन होता? 90 डिग्री का। तो सवाल ये पूछे जाते हैं कि किसी वेक्टर के कंपोनेंट हमेशा बाई और एक्स में ही तोड़े जा सकते हैं या किसी और डायरेक्शन में भी तोड़े जा सकते हैं? किसी वेक्टर का कंपोनेंट बाई और एक्स में ही तोड़े जा सकते हैं या फिर किसी और डायरेक्शन में भी तोड़े जा सकते हैं? तो इसका आंसर है कि कंपोनेंट कैन बी टेकन इन एनी टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन, एनी टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन, दैट परपेंडिकुलर डायरेक्शन में भी एक्स वाई, वाई जेड, एक्स जेड या एनी अदर कोई डायरेक्शन हो सकता, कोई भी दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन हो सकता। जो हमें फिजिक्स में दो कोई और जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन यूज करना होगा, तो वो जो यूज करना होगा तो दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन का नाम बताएंगे आप लोग, दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन का नाम बताएंगे एक्स एंड वाई के अलावा, एक्स वाई, वाई जेड, एक्स जेड के अलावा, जो हमारे फिजिक्स में जरूरत पड़ेगी। हाँ, फिजिक्स में नॉर्थ साउथ ठीक है, वो तो एक्स वाई ही हो गया, उसको बोलते हैं कि टेंजेंट एंड नॉर्मल। क्या बोलते हैं? जैसे राम और श्याम, पहले पुराने जमाने में तो सिनेमा आता था, सब लोग देख के काफी खुश होते, राम और श्याम, कर्ण ने अर्जुन, तो वैसे क्या होता है? टेंजेंट एंड नॉर्मल। क्या होता है? टेंजेंट एंड नॉर्मल। ये भी सिनेमा आता था पहले, खूब सिनेमा चलता था इस पे, टेंजेंट एंड नॉर्मल, मतलब अराउंड हमने भी 2 साल घिसाया है, मतलब पूरा मैथमेटिक्स में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में तो यही पढ़ते रहते थे, टेंजेंट एंड नॉर्मल। उसमें जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ोगे तो एक सर्किल का चैप्टर आता, बस सर्किल का चैप्टर में तो 90% जगहों पर बस यही काम करना पड़ता, टेंजेंट एंड नॉर्मल, आपस में दोनों क्या होते हैं? म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। ये हमारे फिजिक्स में जरूरत पड़ेगी, पूरा पता ही आपको, सर्कुलर मोशन तो एक टॉपिक ही है, उसके अलावा जो है तो रोटेशनल मोशन, समझ आई बात ना? उसके अलावा रोलिंग मोशन, तो ऑलमोस्ट उन जगहों पे हमें जरूरत पड़ेगी। टेंजेंट एंड नॉर्मल आपस में क्या होते हैं? म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। मैं ये बोलना चाहता हूँ, राम और श्याम, करण अर्जुन, माथापच्ची, ऐसा तुमने सुना होगा, वैसे क्या होते हैं? टेंजेंट एंड नॉर्मल, क्या बताओगे? तो म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। तो वैसे जो तो दूसरा हमें काम का और कौन सा दिखाना होगा, तो ऐसा बोलोगे नॉर्मल का मतलब क्या होता है? कोई बता, बच्चा बताएगा? सेंटर से पास करने वाली लाइन को नॉर्मल बोलते हैं।
सेंटर से पास करने वाली लाइन को क्या बोलते हैं, और जो नॉर्मल पे जो है परपेंडिकुलर हो और किसी एक पॉइंट पे टच कर रहा हो तो उसे टेंजेंट बोलते हैं। तो दोनों का डिफिनेशन भी पता चल गया, दिखा दिया ये नॉर्मल है ये लोअल और ये क्या हमारा टेंजेंट है, और दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री। आगे डिटेल में सर्कुलर मोशन में डिसीजन करेंगे, बट बस मैं इतना ही बोलना चाहता हूँ आज कि कंपोनेंट किसी भी दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ले सकते हैं, और वो हमें जो जरूरत पड़ेगी तो एक जरूरत पड़ेगी टेंजेंट एंड नॉर्मल में लेने की। एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स तो लेते ही रहेंगे, उसके अलावा तो टेंजेंट एंड नॉर्मल आपस में इनकी तो कहानी होती है 90 डिग्री की, और एक ये वाली कहानी होती है इंक्लाइंड प्लेन के पैरेलल और इंक्लाइंड प्लेन के परपेंडिकुलर। ये एक डायरेक्शन में पढ़ना है, कौन सा डायरेक्शन, इंक्लाइंड प्लेन के पैरेलल और इंक्लाइंड प्लेन के परपेंडिकुलर। इंक्लाइंड प्लेन हर एक लोगों ने यूज कर रखा है, आप जब छोटे रहे होंगे तो आप इंक्लाइंड प्लेन पे खूब आनंद लिया, पार्क वार्क में जाओगे इंक्लाइंड प्लेन बना रहता है, आपको क्या करते चढ़ा देते ऊपर, आप स्लाइड करके नीचे आ जाते, बहुत हैप्पी होते हो, फिर से पीछे जाते फिर से मुझे चढ़ा दो। और करीबी जो भी आपके पेरेंट्स हैं तो दो एक आधे घंटे में बिताते हैं आपके साथ कि चलो एक फिर से चढ़ाया, फिर आप नीचे आ जाते हैं, फिर से तो ऐसा साइकिल चलता रहता, खूब आनंद आता उसमें। तो वही इंक्लाइन प्लेन आप यहाँ पे क्लास में आपको देखना, जिनका प्रैक्टिकल आपने बचपन में कर रखा। तो प्लेन के पैरल जो तुम स्लाइड करके नीचे आते हो कौन सा डायरेक्शन है वो, इंक्लाइन प्लेन के पैरल। और दूसरा एक और कौन सा डायरेक्शन हमें कंपोनेंट लेने के लिए डिस्कशन करना पड़ेगा, उसके परपेंडिकुलर, इंक्लाइंड प्लेन के पैरेलल एंड उसके एक परपेंडिकुलर डायरेक्शन होगा जो कि आपको यहाँ दिख रहा है। तो ये एक इंक्लाइंड प्लेन के पैरेलल डायरेक्शन यहाँ पे दिखा देता हूँ, और दूसरा ऐसा दिखा देता हूँ, ये जो दोनों व्हाइट वाला एक्सिस खींचा तो वो दोनों क्या हो गया हमारे कंपोनेंट लेने के लिए तो पॉसिबिलिटीज बन गई, इंक्लाइंड प्लेन के पैरेलल, इंक्लाइंड प्लेन के परपेंडिकुलर। क्लियर बात ना, आप देख लेंगे जनरल नॉलेज के लिए, तो कलम रख के एक बार देख लेंगे। बाकी न्यूटन लॉ में जाओगे तो क्या हो जाएगा, ये जब न्यूटन लॉ का चैप्टर पढ़ेंगे तो ये रूटीन प्रोसेस हो जाएगा, इतना तो एक बार बनाना ही पड़ेगा आपको, हर एक दिन एक बार क्या मल्टीपल टाइम्स बनाने पड़ेंगे। बाकी यहाँ पे वेक्टर का कंपोनेंट लेना सिखा दे रहा हूँ एक बार, ये यहाँ पे देखेंगे ये थीटा एंगल है, ये कितना एंगल है 90, ये कितना हो गया 90 माइनस थीटा, तो क्या बताएंगे इसके बारे में, ये थीटा हो जाता है क्योंकि ये पूरा यहाँ से यहाँ तक जोड़ करके 90 होना, ये 90 माइनस थीटा तो ये कितना आ गया थीटा हो गया। बात क्लियर हो गई, आगे से जनरल नॉलेज के लिए याद रखेंगे कि अगर जो इंक्लाइंड प्लेन का इंक्लिनेशन, इसको बोलते हैं इंक्लाइंड प्लेन का इंक्लिनेशन अगर थीटा है, या ऐसा बोलते हैं हॉरिजॉन्टल के साथ यहाँ एंगल कितना है थीटा, तो यहाँ पे वर्टिकल के साथ एंगल कितना हो जाएगा थीटा हो जाएगा। डायरेक्ट थ्योरम यूज करते हैं, ज्योमेट्री का थ्योरम है कि यहाँ पे हॉरिजॉन्टल से थीटा तो यहाँ पे वर्टिकल से थीटा हो जाएगा, करते हैं तो ऐसे ये थीटा 90 90 माइनस थीटा तो ये कितना हो जाएगा थीटा हो गया। तो बाकी समझाने के लिए ऐसा समझा दिया गया, बाकी आप देखेंगे यहाँ पे। अब हमारे पास क्या होगा, तो ये हमारा वेक्टर है, ये हमारा क्या है वेक्टर, और इस वेक्टर का हमें इधर और इधर कंपोनेंट लेना। ये वेक्टर इसके साथ कितना एंगल बना रहा है थीटा, ये वेक्टर इसके साथ है थीटा एंगल बना रहा, तो इधर कंपोनेंट एम जी कॉस थीटा, इधर कंपोनेंट जिधर एंगल बनाता है उधर कंपोनेंट एम जी कॉस थीटा, और इधर एम जी साइन थीटा, कॉस थीटा एंड साइन थीटा कंपोनेंट में फोड़ दिया, कंपोनेंट में फोड़ दिया। जनरल डायलॉग बता रहा हूँ कि किताब हो या पेपर हो, इन सभी जगहों पे कभी भी एंगल बेंगल दिख गया, क्या दिख गया, तो वहाँ पे एक ही कार्यक्रम करना होगा, कंपोनेंट में फोड़ो, किसमें फोड़े हैं कंपोनेंट में फोड़ दें, तो आपको सोल्यूशन का रास्ता आगे का रास्ता दिख जाएगा। ठीक, तो कंपोनेंट लेना आपने सिंगल सिंगल वेक्टर्स में सीख लिया, दो वेक्टर्स के कंपोनेंट लेने के लिए देख लें, और दो वेक्टर का कंपोनेंट लेने के लिए तो देखेंगे इधर, दो वेक्टर का कंपोनेंट लेने के लिए देखें आप, एक वेक्टर ऐसा एक वेक्टर ऐसा दिखा दिया गया, ये एंगल दे दिया गया आपको, दैट विल बी 60 डिग्री, 60 नहीं बढ़िया सा एंगल दे रहा हूँ 45 देता हूँ, 45 दे दिया, और ये वैल्यू कितना दे दिया 10√2, और दिस इज 37 एंड दिस वैल्यू इज 15। ध्यान से देखें, क्वेश्चन को सोल्व नहीं करना, इसमें जो है तो बहुत एक यूनिवर्सल नियम आता है वो आप समझने की कोशिश करें,
है तो बेसिकली क्या, तो मल्टीपल वेक्टर का कंपाउंड लेना, दो हैं दो का कंपाउंड लेंगे, तीन रहते तो क्या करते, तीन का कंपाउंड लेते। तो पहले देख लें, प्यार से देखें इसको, बोलेंगे ये वेक्टर है कितने न्यूटन का, ये 10√2, तो बताएं डेफिनेटली इसके एक्स कंपाउंड और वाई कंपाउंड निकाल लोगे, ठीक है। और वैसे ये है, इसके भी एक्स और वाई निकाल लोगे। अब जो दो लोग हो गए तो क्या कर, ध्यान सुनोगे, जब दो लोग हैं तो क्या करेंगे, पहले और दूसरे दोनों का एक्स कंपोनेंट को असेंबल कर लेंगे और दोनों का वाई कंपोनेंट असेंबल कर लेंगे। समझ आई बात नहीं, दोनों का एक्स कंपोनेंट को एक साथ रख लेंगे और वाई कंपोनेंट को एक साथ रख लेंगे। तो इन दोनों का क्या हो गया, तो ये दोनों वेक्टर्स का जो हमें फाइंड आउट करने थे, तो उनका जो है तो निकल के आ जाएगा कंपोनेंट्स। यहां पे देखें इनको क्या नाम से पुकारते हैं, मान ले थोड़ी देर के लिए, रूटीन आया क्या कि बहुत सारे वेक्टर्स रहेंगे तो सभी का एक्स कंपोनेंट और सभी का वाई कंपोनेंट निकाल लेते हैं और सभी एक्स को क्या कर देते हैं, असेंबल कर लेते हैं वाई को, और जो भी है तो जो प्रोसेस होगा तो जो निकालने का होगा तो उसके लिए तो एक्स कंपोनेंट एंड वाई कंपोनेंट का तो वैल्यूज निकल के आ जाएंगे। एक वेक्टर ओ ए है, दूसरा वेक्टर ओ बी है, आपको ऐसा कुछ आगे का कारनामा करने बोलेगा, क्वेश्चन जब रहेंगे तो वहां पर ऐसा कुछ करने बोलेगा, ओ ए प्लस ओ बी दो वेक्टर्स हैं, तो इनके बारे में बताओ, इनकी वैल्यूज निकालो। तो बीच में ऐड ऐसा कर देने को क्या बोलते हैं जनरल नॉलेज से, तो बीच में प्लस करने को बोलते हैं, तो दोनों वेक्टर का समेशन निकालो, दोनों वेक्टर का सम निकालो, या दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट निकालो, ऐसा ही बोलते हैं, दोनों वेक्टर का क्या निकालो, रिजल्टेंट निकालो। जो लोकल लाइफ में समेशन बोलते हैं, सम बोलते हैं, एडिशन बोलते हैं उसी को, तो टेक्निकली रिजल्टेंट भी बोलते हैं। बहुत सारे वेक्टर्स को जोड़ने से एक सिंगल वेक्टर बन जाए तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, तो सिंपल क्वेश्चन ऐसे भी, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस बोल दिया तो किसका क्वेश्चन हो गया, ये क्वेश्चन हो गया मैथ का, फाइंड द वैल्यू ऑफ ओ ए प्लस ओ बी वेक्टर तो क्या वो क्वेश्चन हो गया, अगर फाइंड द वैल्यू ऑफ रिजल्टेंट तो भी किसका क्वेश्चन हो गया, तो मैथ का ही क्वेश्चन हो गया। फिजिक्स का क्वेश्चन बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो ऐसा लिखेगा वो, हाँ फिजिक्स का क्वेश्चन में जाने के लिए तो इसमें लिखना पड़ेगा किसी फिजिकल पैरामीटर को, तो कनेक्ट करेंगे वो, रिजल्टेंट बोल दिया, बोल दिया फाइंड द रिजल्टेंट फोर्स, तब किसका क्वेश्चन हो गया हमारा। समझ आई बात नहीं, या ऐसा बोल दिया कि ये कितना है हमारे पास, ओ ए एंड ओ बी, ये मीटर दे दिया, ये मीटर दे दिया, ये मीटर और ये मीटर, बोलेगा फाइंड द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट, फाइंड रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट, तो ये किसका क्वेश्चन हो गया हमारा, फिजिक्स। अगर ऐसा लिख दिया अभी भी ओ ए प्लस ओ बी, तो अभी भी मैथमेटिक्स है, अभी भी क्या है हमारा, क्लियर बात हो गया। क्योंकि फिजिक्स में दोनों की जरूरत पड़ती है, इवन सब कुछ लोकल लाइफ की जरूरत पड़ती है, इसलिए हमें सब कुछ जानना। सेम क्वेश्चंस को तो फिजिक्स में मैथमेटिक्स के लैंग्वेज में पूछ सकते हैं, और बताया था कल ही बताया था कि मैथमेटिक्स ही फिजिक्स का क्या है, लैंग्वेज है, तो उसमें कोई बाउंडेशन नहीं, वो पूछ सकते हैं। तो फिलहाल मैं बोलना चाहता हूँ कि ओ ए एंड ओ बी दो लोग हैं और इनका सम निकालना है हमें, आगे टेक्निकली हम लोग फिजिक्स के फॉर्मेट में तो इनको देखेंगे, बट फिलहाल जितना तक हमने पढ़ा तो उसके बेसिस पे तो पहले तो कंपोनेंट निकाल लें। बच्चा बोल रहा है कि देखेंगे दो वेक्टर्स हमारे पास और पहला वेक्टर दूसरा वेक्टर दोनों का तो इंडिविजुअल एक्स कंपोनेंट निकाल लेंगे और वाई कंपोनेंट निकाल लेंगे। पहला वेक्टर ओ ए है, ओ ए का एक्स कंपोनेंट हर एक लोग बोल रहे हैं कि इधर कितना आएगा, तो 10 × cos 45, cos 45 की वैल्यू 1/√2, ये 10 हो गया, और वाई कंपोनेंट भी कितना हो गया, तो 10 हो गया, एक्स एंड वाई कंपोनेंट पहले के लिए ओ ए के लिए कर दिया, ओ ए के लिए ओ ए का एक्स कंपोनेंट निकाल लिया और ओ ए का वाई कंपोनेंट, और दूसरा जो है ओ बी के लिए, तो ओ बी के लिए ये वाला कंपोनेंट कौन बताएगा, नीचे वाला ओ बी इंटू कॉस 37, ओ बी इंटू कॉस 37 कितना होता है, OB into cos 37, cos 37 is 4/5, तो डाट विल बी -12 वाई कॉम्पोनेंट, और एक्स कॉम्पोनेंट के बारे में कौन बच्चा बताएगा, 15 तो -9। अब ओ ए प्लस ओ बी निकालना, तो इनको जोड़ दोगे, अब ये कितना आ गया, ये कितना आ गया, ये 1 हो गया, और ये कितना आ गया, तो जो ओ ए प्लस ओ बी आया तो उनके जो है दो कंपोनेंट आए, एक्स एंड वाई, एक्स कंपोनेंट की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई, और वाई की -5। तो ओ ए प्लस ओ बी जब लिखोगे, ध्यान से देखोगे, ओ ए प्लस ओ बी अब लिखोगे, ओ ए प्लस ओ बी की जो वैल्यू होगी, तो बताया था एक्स कंपोनेंट में क्या लगा के लिखते हैं, और वाई कंपोनेंट में
तो ऐसा वेक्टर बना दोगे या अल्टीमेटली लिख सकते हो आई माइनस ट्वाइस जे, आई कैप माइनस ट्वाइस जे कैप, ओ डेट मीन द फाइनल ओ ए प्लस ओ बी का रिजल्टेंट आ गया। ये ओ ए प्लस ओ बी लिख दिया या यहाँ माइनस रहता तो इसको क्या कर देते आपस में माइनस कर देते, अभी दोनों को जोड़ना था तो क्या कर दिया उनको। नियम ये है कि दो वेक्टर या तीन वेक्टर या चार वेक्टर दिए रहेंगे तो करेंगे क्या, हर एक वेक्टर का एक्स कंपोनेंट कर लोगे, हर एक वेक्टर का, और सारे एक्स वाले को क्लब कर लोगे और सारे वाई वाले को, और अगर वेक्टर बनाना होगा फिर से तो सारे एक्स वाले क्लब करने के बाद जो आया उसके साथ एक्स वाले के साथ आई कैप लगा दोगे, अब आई वाले के साथ जे कैप। क्लियर हो गया? तो आगे मूव करते हैं। ये फिलहाल हम लोग क्या कर रहे थे, कंपोनेंट ले रहे थे, दो वेक्टर का भी कंपोनेंट ले लिया हमने। बाकी कुछ डायरेक्शन में ऐड करते हैं, उसमें डायरेक्शन में जाने के पहले तो डायरेक्शन में कुछ एक दो पॉइंट और ऐड कर देता हूँ ताकि हम क्वेश्चंस कुछ और उठा सकें। डायरेक्शन में जाने के पहले फिर से एक बार रिमाइंडर ले लो, कंपोनेंट में हमने क्या क्या सीख लिया तो ध्यान से देख लेंगे कि पहला पॉइंट क्या था, कंपोनेंट इनफाइनाइट स्पेस में तीन रेक्टेंगुलर वाली बात, और प्लेन में दो, और क्या बताया कि कंपोनेंट एक्चुअल वेक्टर से या तो बराबर हो गया, छोटा होगा, बड़ा कभी भी नहीं हो सकता, और जिसके साथ एंगल उधर कॉस थीटा और सामने में साइन थीटा, अ कंपोनेंट कैन बी टेकन इन एनी टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन, जो उसमें तो जोरदार वाला केस आता तो जहाँ पे थोड़ी बहुत दिक्कत आती है कहाँ पे, तो टेंजेंट एंड नॉर्मल, कौन सा वाला केस, दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर उस डायरेक्शन में टेंजेंट और नॉर्मल कंपोनेंट फोड़ेंगे जाके सर्कुलर मोशन, और जब न्यूटन पढ़ेंगे तो वहाँ पे प्लेन के पैरेलल एंड प्लेन के परपेंडिकुलर ऐसा यूज करेंगे। और उसके अलावा जो हमने तो बताया कि दो वेक्टर तीन वेक्टर चार वेक्टर रहेंगे तो वहाँ पे गारंटीड सोल्यूशन होता, उनमें गारंटीड सोल्यूशन ऐसे करोगे तो निकल ही जाएगा, आगे जैसे जैसे पढ़ेंगे तो कुछ और लेकर दूसरे सोल्यूशन भी आएंगे, बट ये इस मेथड से डेफिनेटली एक सोल्यूशन तो आएगा ही, पक्का ही पक्का आएगा। जहाँ पे सारे वेक्टर से क्या ले लोगे तुम, तीन चार पांच वेक्टर रहेंगे तो वहाँ सभी सभी का एक्स ले लो, सभी का वाई ले लो, एक्स को असेंबल कर लो, वाई को असेंबल कर लो, ओवरऑल वेक्टर की क्रिएशन हो जाएगा, ये गारंटेड सोल्यूशन होता है, यहाँ से तो निकल ही जाएगा। ये ऐसे वाले क्वेश्चंस जहाँ पे लिखा रहेगा कि एक आदमी तो 10 मीटर ईस्ट गया, कितना मीटर ईस्ट गया, और फिर जो है 90 डिग्री से बेंड हो गया और लेफ्ट में बेंड हुआ, पहले कहाँ गया ईस्ट, और फिर 10 मीटर चलने के बाद लेफ्ट में बेंड हो गया, कितने डिग्री से बेंड हो गया 90 से, और फिर से 20 मीटर चला, कितना मीटर चल लिया, ठीक, अब फिर से 20 मीटर चलने के बाद 90 डिग्री से बेंड हो गया, अब फिर से कितना मीटर चला, 30 मीटर चला, तो उनका रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट बताओ, या रिजल्टेंट और या उनका रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट बताओ, या उनका डिस्प्लेसमेंट निकालो या डिस्टेंस निकालो। ईस्ट गया 90 डिग्री से लेफ्ट में बेंड हुआ, और फिर से तो 90 डिग्री से लेफ्ट या राइट कुछ भी बोल देगा, क्वेश्चन में मेंशन रहेगा, तो ऐसे वाले क्वेश्चंस का डेफिनेटली यहाँ से सोल्यूशन निकल जाएगा। पीछे में जो कंपोनेंट लेने वाली बात थी वो हमने सिंपल वर्सन बताया, उसमें ऐसा ही बोला जाएगा एक मैन जो है 10 मीटर कौन सा एंगल आपको अच्छा लगता, 37, 53, 30, 60, 45 कुछ भी, तो मैन मूव्स 10 मीटर 53 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, ऐसा लिखा रहेगा। एक मैन जो है 10 मीटर चलता है और 53 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट में चलता है, समझ आई बात, ऐसा सेंटेंस लिखा रहेगा। और उसके बाद क्या करता है वो, तो उसके बाद 20 मीटर चलता है, कितना चलता है, और फिर वो साउथ वेस्ट चला गया, पहले 10 मीटर चला था और फिर कहाँ चला गया, साउथ वेस्ट चला गया, तो ऐसे स्टेटमेंट लिखे रहेंगे। दो ये पहला स्टेप लिया 10 मीटर का और दूसरा स्टेप कितने का लिया, 20 मीटर का लिया, और डायरेक्शन साथ में मेंशन किया हुआ, तो इन क्वेश्चन का सोल्यूशन डेफिनेटली यहाँ से निकल जाएगा। जितने भी स्टेप होंगे हर एक स्टेप्स का क्या कर लोगे तुम, एक्स कंपोनेंट ले लोगे, और सारे स्टेप्स का वाई कंपोनेंट ले लोगे, एक्स को एक साथ असेंबल, वाई को एक साथ असेंबल कर लो, और देन आफ्टर एक्स के साथ आई कैप और वाई के साथ जे कैप। बात कुछ समझ में आई, ये क्वेश्चन डेफिनेटली काफी किताबों में पहला क्वेश्चन ही रहता है कि एक आदमी पहले ईस्ट गया, फिर नॉर्थ वेस्ट गया, फिर 53 डिग्री साउथ ईस्ट चला गया, तो क्या करें आप, रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट निकालें,
मैन का क्या निकाले हैं, समझ आई बात नहीं आई? तो इन क्वेश्चंस का डिफरेंट सॉल्यूशन यहां से निकल के आएगा। बाकी उस पर हम लोग लिखते हैं, लैंग्वेज में लिखते हैं, बट एक दो डायरेक्शन के बारे में तो और मेंशन कर लें आप लोग। जो मैं यूज कर रहा था अभी सेंटेंस, मैंने अभी बोला कि नॉर्थ वेस्ट देख लेंगे, यहाँ पे नॉर्थ वेस्ट वेस्ट साउथ ईस्ट ऐसे डायरेक्शन के बारे में। और डायरेक्शन इतना इंपॉर्टेंट है कि अभी आज के क्लास में ही तो ऑलमोस्ट हमारे आंसर से एक क्वेश्चन तो डिस्कशन कर ही दूंगा जो इस पर एग्जाम में आए हुए हैं आपके। ये देखेंगे यहाँ पे, ये बोलते इधर जाने को क्या बोलते हैं, ईस्ट जाना, या इसको क्या बोलते हैं, ड्यू ईस्ट। क्वेश्चन में लिखा रहेगा मैन मोस्ट 10 मीटर ड्यू ईस्ट, इसका मतलब ऐसा ही हो गया, ईस्ट को ही बोल रहा हूँ। ठीक, तो ये ईस्ट बोलते हैं। और एन ई डब्ल्यू एस आपको याद ही है, एन ई डब्ल्यू एस डायरेक्शन में कुछ और ऐड करने जा रहा हूँ, एन ई डब्ल्यू एस। ध्यान से देखोगे, अब एक लैंग्वेज होता क्या हमारा, नॉर्थ ईस्ट, क्या होता है, तो दोनों से नॉर्थ और ईस्ट में होना चाहिए और दोनों से बराबर एंगल, इसको बोलते हैं। ये नॉर्थ ईस्ट के एंगल बाइसेक्टर को क्या बोलते हैं हम लोग, नॉर्थ ईस्ट के एंगल बाइसेक्टर को नॉर्थ ईस्ट बोलते हैं। नॉर्थ और ईस्ट के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री। एंगल बाइसेक्टर को क्या नाम से पुकारते हैं, नॉर्थ ईस्ट। ये कौन सा हुआ, नॉर्थ वेस्ट, ये नॉर्थ और ये इसके बीच में एंगल बाइसेक्टर को नॉर्थ वेस्ट से पुकारेंगे। कहीं भी क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि मैन मूव्स नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट इसका मतलब क्या है, दोनों से एंगल 45 डिग्री 45 डिग्री, ये अंडरस्टूड होता है। नॉर्थ वेस्ट का मतलब अंडरस्टूड होता है, एंगल 45 डिग्री, वो बताएंगे नहीं। ठीक, साउथ ईस्ट कौन बताएगा, ये ईस्ट है और ये साउथ है, साउथ ईस्ट, क्लियर है, उनके बीचों बीच दैट इज द साउथ ईस्ट एंड दिस विल बी द, कौन बताएंगे इसके बारे में नाम बताएंगे आप लोग, साउथ वेस्ट। तो कहीं पे लिखा हुआ था, आप बताएंगे कि डैट विल साउथ ईस्ट एंड डैट विल साउथ वेस्ट, ये डायरेक्शन चार और डायरेक्शन जुड़ गए आपके साथ। वन मोर कन्वेंशन, ये तो डायरेक्टली 45 वाले के लिए हो गया, 45 डिग्री ड्यू नॉर्थ, ड्यू नॉर्थ बोलेगा तो ड्यू नॉर्थ ये हो गया, ड्यू नॉर्थ ऐसा बोलेंगे, जबकि तो ये रिमेनिंग तो हो ही गया, साउथ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ वेस्ट। वन मोर इन्फॉर्मेशन, ध्यान से देखेंगे इधर, अब यहाँ पे कोई ऐसा कुछ एंगल बना रहा है, इस क्वाड्रेंट में ही है, एन ई डब्ल्यू एस नाइन ई डब्ल्यू एस में है, और ये ऐसा, ये कुछ ऐसा बना है, कोई वेक्टर ऐसा है, तो डेफिनेटली इसके नाम में क्या लगेगा, नॉर्थ और ईस्ट लगेगा, कोई वेक्टर इस डायरेक्शन में तो नाम में क्या लगेगा, नॉर्थ एंड ईस्ट लगेगा। लेकिन कुछ एंगल पे है, ये मान ले 30 डिग्री है, तो इसका नोमेनक्लेचर ऐसा बोलते हैं कि नॉर्थ और ईस्ट तो लगेगा ही, 30 डिग्री नॉर्थ और ईस्ट तो लगेगा ही, और जिसके साथ एंगल उसके लास्ट में लिख दोगे। अगर कुछ बोला कि ए मैन मूव्स 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, तो जिसके साथ एंगल है वो कहां पे लिखा जाता है, लास्ट में लिखा जाता है, जो लास्ट में लिखा हुआ उसके साथ एंगल शो आउट कर दोगे। जब क्वेश्चन से लैंग्वेज में रहेगा तो ये लिख रहेंगे मैन मूव्स 30 मीटर या मैन मूव्स 10 मीटर 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, तो लैंग्वेज में ऐसा लिखा रहेगा, आपको डायग्राम में ऐसा जाना होगा। तो आप लोग बताएंगे, अब अगर ऐसा डायरेक्शन में मेंशन करूं, इसके बारे में कौन पढ़ेगा, किस में है साउथ एंड वेस्ट में, तो साउथ और वेस्ट तो लिखा ही जाएगा, और जिसके साथ एंगल है वो लास्ट में लिखेंगे, इसको क्या लिखेंगे, 53 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट, ऐसा नोमेनक्लेचर होगा। जिसके साथ एंगल है वो कहाँ दिखाएंगे आप, वो लास्ट में लिखेंगे, मेंशन करेंगे आप, ये जो लिखा हुआ तो उसके लिए आपने कर लिया। तो जल्दी से आप बता दें, अगर ऐसा शो आउट करना होगा 30 डिग्री
कौन सा क्वाड्रेंट में जाएगा ये होता है नॉर्थ ईस्ट, ये नॉर्थ वेस्ट, ये साउथ वेस्ट और ये साउथ ईस्ट है क्या? ये साउथ ईस्ट, तो हम यहाँ पे आ जाएंगे। पहले तो इन चारों में चूज कर लेंगे, यहाँ पे हूँ, यहाँ पे हूँ, यहाँ पे यहाँ हूँ, जो दो नाम लिख रहे हैं उससे पता चल जाएगा। तो यहाँ आ गए, अब बोलेंगे कि जो लास्ट में लिखा हुआ उसके साथ एंगल स्वैप आउट कर देंगे। तो लास्ट में लिखा हुआ साउथ, ये हमारा क्या था ईस्ट है और ये क्या है साउथ, और साउथ के साथ एंगल दैट विल बी द थर्ड डिग्री। तो मैं बोलना चाहता हूँ कि लैंग्वेज दिया रहेगा तो डायग्राम बना लोगे, स्टेटमेंट था तो डायग्राम में कन्वर्ट कर लिया, या वाइस वर्सा डायग्राम रहेंगे तो क्या कर देंगे आप, वो लैंग्वेज चेंज कर देंगे। तो काफी किताबों में तो बताया कि ये पहला सवाल यहीं से स्टार्ट ही होता, तो वो इंश्योर कर लें कि आपको दो स्टेप या तीन स्टेप तक खींचेंगे वो। तो पहला स्टेप में वैसे लिखा हुआ 10 मीटर मैं कर दे रहा हूँ, आप देख लें और उसे इंश्योर करेंगे कि जब आपके सामने जब क्वेश्चन आए तो वहां पर आप निकाल लें। तो पहला स्टेप मैंने क्या किया 10 मीटर ड्यू ईस्ट किया, 10 मीटर ड्यू ईस्ट, ध्यान देखते रहेंगे। देन आफ्टर ये बोल रहा है कि 5√2 मीटर, 5√2 मीटर नॉर्थ वेस्ट, सेकेंड स्टेप लिखा रहेगा स्टेटमेंट, एंड तीसरा स्टेटमेंट मैन पहले इधर गया फिर इधर गया और नेक्स्ट में तो बोला कितना था डब्ल्यू, तो 10 मीटर 37 डिग्री। अब बोला क्या निकालें आप, मैन का रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट लिखें, मैं करता रहा हूँ आप कलम बंद करके ही रहें। समझना ये है कि तीन स्टेप वाला क्वेश्चन आ गया, काफ़ी किताबों में यही पहला क्वेश्चन ये दिया रहता कि मैन पहले यहाँ गया फिर इधर गया फिर इधर गया, तो उसे क्या लिखें आप, रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट लिखें या डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के लिए कॉन्सेंटर हुआ। तो बहुत ही आसान है, सोल्यूशन का तरीका भी आपको पता चल गया, हर एक स्टेप से क्या निकाल लूंगा एक्स, हर एक का वाई, सभी एक्स को जोड़ देंगे सभी वाई को जोड़ देंगे, और देन सभी को जो एक्स और वाई को जोड़ देंगे, एक्स वाले के साथ आई कैप और वाई वाले के साथ जे कैप, तो हमारा रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आ जाए। रेडी हैं सब लोग? अब देखिए इनका सॉल्यूशन, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, आपको उतारने के लिए फुल टाइम दे देंगे, पहले एक बार देख लें। पहला मैन किधर गया, ईस्ट गया, काफी लोग ऐसा करते हैं कि यहां से ईस्ट गया फिर वहां पे ऐसे खींचते हैं यहां पे ऐसा, अब फिर से बोलते हैं कितना किधर गया, ये ऐसा कुछ जितना जो दिया हुआ था उधर गया, अब फिर जब यहाँ पे पहुंच गया फिर से यहाँ पे खींचते हैं, ऐसा करने की कोई जरूरत है नहीं है। हम करेंगे क्या देखेंगे, हम जानते हैं कि ये ऐसा था और ऐसा था, बेसिकली जो हम लोग इस प्रॉपर्टी का यूज कर लें, सभी को हम जानते हैं कि वेक्टर्स को पैरेलल ट्रांसलेट करने से चेंज नहीं करता, हम इस प्रॉपर्टी को यूज करते हैं, हम सभी वेक्टर्स को यहीं पे दिखाएंगे, ये यहाँ पे दिखाएंगे यहाँ पे दिखाएंगे कोई फर्क नहीं है ना, हम डायरेक्ट प्रॉपर्टी को यूज कर लेंगे, बोलेंगे पहला स्टेप में क्या किया उसने, पहला स्टेप में 10 मीटर ईस्ट किया, तो 10 मीटर ईस्ट ऐसा दिखा दिया, 10 मीटर ईस्ट चला गया, क्लियर है ये? और 10 मीटर ईस्ट किया तो देखेंगे इधर 10 मीटर ईस्ट किया, 10 मीटर ईस्ट गया, 10 मीटर ईस्ट गया, 10 मीटर ईस्ट गया, पहला स्टेप के लिए एक्स एंड वाई, तो ईस्ट गया तो बच्चा बच्चा बताएगा कि एक्स कंपोनेंट होगा वाई नहीं होगा, एक्स कंपोनेंट होगा और वाई नहीं होगा, एक्स कंपोनेंट होगा और वाई नहीं होगा, हाँ या नहीं? अभी डायलॉग दिया था कि कोई वेक्टर हॉरिजॉन्टल है तो उसका वर्टिकल कंपोनेंट कितना होता, मतलब ईस्ट गया मतलब हॉरिजॉन्टल गया तो वर्टिकल कितना हो गया, तो डेट में तो यहाँ 10 लिखेंगे यहाँ पे पहले के लिए तो 0 हो गया, दूसरे वाले में देखेंगे इधर 5√2 नॉर्थ वेस्ट, 5√2 नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट इधर हो गया नॉर्थ एंड और 5√2। मैं बोलना चाहता हूँ कि किसी भी वेक्टर को हम यहीं से स्टार्ट कर लेंगे, एक रिप्रेजेंटेशन ऐसा भी होता है कि यहाँ पे जाने के बाद कुछ लोग ऐसे यहाँ पे दिखाते हैं, हम ऐसा नहीं करेंगे, हम यहीं पे दिखाएंगे सबको, एक ही बात है यहाँ पे दिखाएं या पैरेलल ट्रांसलेट करके वहां पे दिखाएं। तो चूंकि हम प्रॉपर्टी ऑलरेडी जान चुके हैं तो हम क्या करेंगे सभी वेक्टर को क्या करेंगे यहीं पे शो करेंगे, पहला इधर गया फिर दूसरा क्या करा तो नॉर्थ वेस्ट, यहीं पे दिखा देंगे। तो अब बोलेंगे बच्चा बच्चा बोल रहा है कितना, ये 5√2 था, इधर 5√2 × cos 45 1/√2 5 आ जाएगा,
तो माइनस फाइव, और वाई कंपोनेंट में भी कितना आ जाएगा ये, तो डाटा प्लस फाइव माइनस फाइव एंड, तो सेकेंड स्टेप का तो एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट असेंबल कर लिया। और 10 मीटर साउथ ऑफ वेस्ट, अब आएंगे तीसरे स्टेप के लिए। तीसरे स्टेप के लिए साउथ ऑफ वेस्ट कितना है हमारे पास, 10 मीटर साउथ ऑफ वेस्ट, 10 मीटर साउथ ऑफ वेस्ट, 10 मीटर साउथ ऑफ वेस्ट। तीसरे स्टेप के लिए 10 मीटर साउथ ऑफ वेस्ट, साउथ ऑफ वेस्ट होता है किधर, इधर है ये, चलिए यहाँ पे किससे एंगल है वो, वेस्ट से, लास्ट में लिखा हुआ वेस्ट, तो लास्ट में ऐसे डाल देंगे, कितना है ये, ठीक है। इधर कंपोनेंट 10 इंटू कॉस 37 चार बटे पांच, और इधर तो 3/5, तो 8 और ये 8 और ये, चूंकि इधर है तो माइनस माइनस, और इधर कितना, आगे काम डेफिनेटली कर लोगे, कौन बताएगा एक्स में कितना ज़्यादा वैल्यू, माइनस थ्री, और वाई में खत्म हुई बात, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकल के आ गया माइनस थ्री एंड डाटा माइनस वन। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर लिखना होगा तो गोड माइनस थ्री आई कैप एंड माइनस जे कैप, ऐसे यूज कर लेंगे। और बाकी कल मैग्नीट्यूड निकालना सिखाया था इसमें, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, आज फिर से उस पर रिपीट करेंगे, बट फिलहाल जो है तो वेक्टर बनाना सीख लिया, तो एक बार पहले तो इसको नोट कर लें, आप क्वेश्चन नोट कर लें। आइए डायलॉग बता दिया कि देखेंगे, इंपॉर्टेंट ये है कि जो नियम आपको यहाँ पे सिखाया जा रहा है तो वो याद होना चाहिए दिमाग में। नियम ये था कि मल्टीपल स्टेप्स दिए रहेंगे, मैं भी कहीं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, हमने तीन स्टेप्स लिखा, आपको क्वेश्चन दो स्टेप वाले भी मिलेंगे, यहाँ यहाँ तक खत्म कर देंगे, यहाँ 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 तक जाएंगे, चार वाले भी आ जाएंगे, चार से ज़्यादा यूजुअली आजकल चलता नहीं है, चार स्टेप से ज़्यादा क्वेश्चन यूजुअली चलते आजकल नहीं आते हैं, या तो दो स्टेप्स क्या आ गए, तीन स्टेप्स क्या आ गए, चार स्टेप्स क्या आ गए। करना क्या है, हर एक स्टेप्स में एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट को असेंबल कर लेंगे, हर एक स्टेप्स के लिए इंडिविजुअली एक्स एंड वाई पे तो ब्रेकआउट कर दोगे, ब्रेकआउट करने के बाद हर एक एक्स को तो असेंबल कर लोगे, हर एक वाई को असेंबल कर लोगे। क्वेश्चन लिख लिया होगा लोगों ने, पहला स्टेप में तो क्या था हमारे पास, एक्स और वाई में ब्रेक कर देंगे ऐसा, पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, 10 मीटर ईस्ट ही गया था तो क्या कर लेंगे आप, 10,000 यहां जीरो लिख लिया, 10,000 यहां, दूसरा स्टेप, साउथ वेस्ट नॉर्थ वेस्ट, इधर 5√2, दोनों से एंगल कितना है ये 45, तो इधर कितना आएगा 5 और इधर भी, तो इधर माइनस 5 और यहाँ प्लस 5, ऐसा लिख दिया। जिनको दिक्कत है 5√2 cos 45 आएगा, cos 45 के वैल्यू 1/√2 लिखोगे यहाँ पर तो 5 आ जाएगा। मल्टीपल वेक्टर का कंपोनेंट ले रहे हैं, फंडा ये है कि दिमाग में चलना चाहिए, आगे जरूरत है क्वेश्चंस में आपको अप्लाई करने की जरूरत पड़ेगी, क्वेश्चंस में ये अप्लाई कर दोगे तो बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे ये टाइप में। मैं इतना जोर देकर के इसलिए बोल रहा हूँ कि ये नियम बताने के बावजूद भी लोगों से क्वेश्चन रुक जाते हैं, इसलिए मैं इतना स्ट्रेस दे के बता रहा हूँ आपको, बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि मल्टीपल वेक्टर्स का कंपोनेंट ले रहे हैं, फंडा है ये। तो नेक्स्ट पार्ट में कौन सा डायरेक्शन था, 10 मीटर कौन सा डायरेक्शन था, वो साउथ ऑफ वेस्ट, बेस्ट से 37 डिग्री और इस क्वाड्रेंट में 37 डिग्री कितना मीटर है, 10, इधर 10 इंटू 4/5 और 10 इंटू, तो यहाँ पे तो 8 आ जाएगा और ये 6। अब चूंकि इधर है तो क्या लिख देंगे इसे, और इधर नीचे है तो क्या लिख देंगे, ओवरऑल एक्स में तो -3 और वाई में -1 वेक्टर क्रिएट करना होगा, तो आगे क्रिएट कर लोगे तुम, दैट विल बी -3 आई कैप एंड -j कैप। तो डेफिनेटली मैं बोल रहा हूँ कंपोनेंट तो लेकिन सफिशियंट इन्फॉर्मेशन अभी फिलहाल दे दिया गया आपको, मल्टीपल वेक्टर का कंपोनेंट लेना लेना भी हमने एक सीख लिया। तो आगे मूव करते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में जाएंगे आप,
हेडिंग डाल देंगे फॉर्मेशन ऑफ वेक्टर। मैंने बोला कि 25% सिलेबस कंप्लीट हो जाता है अगर आप अच्छे से कंपोनेंट में फोड़ना सिर्फ सीख जाते हैं तब, और 25% सिलेबस यहां से कंप्लीट हो जाता है। किसी वेक्टर को फॉर्म करना, पूरा का पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड, पूरा का पूरा मैग्नेटिक फील्ड, पूरा का पूरा ग्रेविटेशनल फील्ड, पूरा का पूरा प्रोजेक्टाइल मोशन, सबका सोल्यूशन बस यहीं पे है। अगर ये टॉपिक आपको समझ में आ गया तो ये टॉपिक्स में बस कट एंड पेस्ट करना होगा जाकर के। फॉर्मेशन ऑफ ए वेक्टर, किसी वेक्टर को कैसे क्रिएट करते हैं, कल भी बताया था हमने कैसे क्रिएट करते हैं। उसका मैग्नीट्यूड लिखो और डायरेक्शन लिखो। अब बहुत लोग हैं तो मैग्नीट्यूड लिखो, डायरेक्शन लिखो, सबका लिखते जाओ और ऐड कर दो। उसी काम को एक्सक्लूसिव रूप में आज दिखा दे रहा हूँ, एक्सक्लूसिवली अलग से दिखा दे रहा हूँ। फॉर्मेशन ऑफ ए वेक्टर, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे कंपोनेंट गिवन होंगे वेक्टर के, क्या गिवन होंगे, कंपोनेंट गिवन होंगे, और तुम्हें बनाना होगा वेक्टर को। क्या बनाना होगा हमें, यहाँ पे वेक्टर के कंपोनेंट गिवन होंगे, वेक्टर के कंपोनेंट गिवन होंगे, ये हमारा वेक्टर है और इसके गिवन क्या है, तो कंपोनेंट गिवन है, बोला रहेगा इनका कंपोनेंट एक्स कंपोनेंट ए एक्स और वाई कंपोनेंट कितना हमारा, और इस वेक्टर को लिखना, ए वेक्टर को फॉर्म करना, और ये वेक्टर को फॉर्म करना साथ साथ में क्या करना, तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी निकालना और डायरेक्शन भी निकालना। पहले तो बहुत ही आसान काम है कि ये क्या दिया हमारे पास, एक्स कंपोनेंट दिए रहेंगे, वाई कंपोनेंट दिए रहेंगे, क्या दिए रहेंगे हमारे, एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट, क्या दिए रहेंगे, एक्स और वाई कंपोनेंट। हमें लिखना क्या है हमारा, इन दोनों को लिखना है, ए को लिखना है, ये वाला को लिखना, तो एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट दिए हुए हैं, एक्स के साथ आई कैप और वाई के साथ, ऐसा लिख दो तुम्हारा वेक्टर का क्रिएशन हो गया। वेक्टर को फॉर्म कर रहे हैं, दिया रहेगा ये, ऐसा लिख दोगे तो क्या बताओगे तुम, वेक्टर क्रिएट हो गया, फॉर्म कर दिया आपने, ठीक है। और अब बोलेंगे कि इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड बताओ, तो मैग्नीट्यूड के लिए तो बोलेंगे रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। वो जो वेक्टर था उसका मैग्नीट्यूड निकाल लिया, जो वेक्टर ए था उसका मैग्नीट्यूड निकाल लिया, और जो वेक्टर ए है अगर बोलेगा इसका डायरेक्शन बताओ, टैन थीटा की वैल्यू, तो टैन थीटा ट्रायंगल में देखोगे ये क्या है, तो ए बाई है, तो यहाँ भी कितना है ए बाई, तो टैन थीटा की वैल्यू परपेंडिकुलर बाई बेस होता है, तो ए बाई अपॉन ए एक्स। दिया हुआ क्या है गोड, दिया हुआ एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट दिया हुआ, हमने ये हमसे मांग करेंगे बनाओ तुम, या हमें क्वेश्चंस करने के लिए अपने आप करना पड़ेगा ये स्टेप आउट। तो वेक्टर हमने क्रिएट किया एक्स आई प्लस ए वाई जे कर, और इस वेक्टर की लंबाई निकाला, अगर लंबाई वो पूछेंगे तो ऐसा बताओगे उस वेक्टर का लंबाई कितनी है, तो मैग्नीट्यूड को पूछेंगे तो इतना बताओगे रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस, और बताएंगे इस वेक्टर का डायरेक्शन क्या है, तो बताएंगे टेन थीटा एक्स एक्स के साथ है, तो ए वाई अपॉन ए एक्स। जनरल नॉलेज में याद रखेंगे, आगे हमें जरूरत पड़ेगी कि दो लोग हैं वाई एंड एक्स, एंगल किसके साथ है, तो जिसके साथ एंगल है वो नीचे आ जाएगा कंपोनेंट, वो वैल्यू कहाँ मेंशन कर दोगे, नीचे लिख दोगे, क्लियर बात हो गई। और इसी को क्या बोलते हैं, कार्टिजियन फॉर्मेट होता है, ये क्या बोलते हैं, ये थीटा के टर्म्स में लिख रहे हैं तो पोलर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पोलर फॉर्मेट। और इसी को क्या बोलेंगे, कार्टिजियन फॉर्मेट में लिखना, कार्टिजियन फॉर्मेट में लिखना, तो इसको कहीं पे ऐसा लिखा हुआ, ये लिखा हुआ ये वेक्टर फॉर्मेट है, ये कौन सा फॉर्मेट है, और कहीं पे तो इसी को, इस वेक्टर को ऐसे लिख सकते एक्स कॉमा ए वाई, तो इसको क्या बोलते हैं, कार्टिजियन फॉर्मेट या कोऑर्डिनेट फॉर्म, क्षमा जाए बात, ये अलग अलग तरीके। कल को यहीं से क्वेश्चन स्टार्ट किया उसने, एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट नहीं दिया, उसने क्या स्टार्ट किया, एक्स कॉमा ए वाई, तुम्हें ये सारे एक्सप्रेस करने के लिए पूछ दिया, कौन कौन सा ट्रू है, चार ऑप्शन बना दिया, समझ आई बात नहीं आई, तो ये एक्स कंपोनेंट वाई कंपोनेंट दिया हो तो भी यही लिखोगे, ऐसा दिया हुआ तो भी यही लिखोगे, ये बाकी सब कुछ रेप्लीकेट हो गए, एक्स कंपोनेंट वाई कंपोनेंट तो ये बाकी चीजें आप लिख देंगे, ये दिया हुआ एक्स कॉमा ए वाई तो भी बाकी चीजें आप लिख देंगे, क्लियर बात हो गई। जिसके साथ एंगल वो कहाँ लिखोगे तुम, नीचे, तो जल्दी से आप फिलअप करते हैं, मैं कंपोनेंट दे रहा हूँ कि कोई वेक्टर है उसके कंपोनेंट ऐसा ऐसा है, जल्दी से फिलअप करेंगे, बाकी पॉजिटिव निगेटिव यूज करोगे तुम जहाँ जरूरत पड़ेगी। कोई वेक्टर के दिया हुआ कि ये कंपोनेंट कितना, तो डाटा भी 6 एंड दिस इज 8, दिस इज 6 एंड दिस इज 8, जल्दी से क्रिएट करो वेक्टर, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन कोऑर्डिनेट फॉर्म,
बोलोगे वेक्टर वेक्टर फॉर्म लिखना होगा इसका, तो क्या वेक्टर फॉर्म लिखेंगे? दैट विल बी मैग्नीट्यूड रूट सिक्स स्क्वायर एट स्क्वायर, दैट विल टेन, डायरेक्शन टेन थीटा, यस यस यस, बोले टेन थीटा, जिसके साथ एंगल है वो नीचे लिखेंगे। अगर एक्स के साथ एंगल लिखोगे तो एक्स के साथ एंगल लिखोगे तो एक्स वाला नीचे, छह नीचे और आठ ऊपर, तो टेन थीटा फोर बाई थ्री, थीटा इक्वल टेन इनवर्स फोर बाई थ्री, अभी एंगल लिखा था तिरपन डिग्री, फिफ्टी थ्री डिग्री आ जाएगा, अगर एंगल में जाओगे तो तिरपन डिग्री आ जाएगा ये, और कार्टेशियन फॉर्मेट सिक्स होमा एट फिनिश, ये चारों तरीके दिखा दिया गया। कंपोनेंट दिया हुआ तो वेक्टर को फॉर्म करना, तो आगे मूव करें, एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट दिया रहेगा तो कॉरस्पॉन्डिंग आई कैप और जे कैप लेकर लिख देंगे आप। ये डेफिनेटली मैं बोलना चाहता हूँ कि बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, आप जाके घर पे इसमें करना कुछ नहीं है, आप जाके दो काम ये कर लेंगे डेफिनेटली, लेफ्ट एंड राइट दोनों, जो प्रोसेस हमने बताया कंपोनेंट लेना और फॉर्मेशन करना, दोनों एक दूसरे का इन्वर्स है। कंपोनेंट में क्या था, तो ये दिया हुआ था, ये दिया हुआ था और ये निकालना था, ए एक्स एंड ए वाई हमने निकाला था, यहाँ पे रिवर्स है, यहाँ पे ये ऑलरेडी गिवन थे और हमें ये क्रिएट करना था, समझ आ गई बात? ये हमारे ए एक्स एंड ए वाई मेंशन थे और ये हमें क्रिएट करना था, ये डिमांड था, यहाँ पे ये दोनों हमें क्या करते थे, निकालने थे, तो घर पे जाकर के तो कंप्लीट कर लोगे इस प्रोसेस को, ए और इधर कितना, ए कॉस थीटा और इधर ए साइन थीटा, एक प्लेन पेपर लिया और उसमें ये काम कर लिया, आपको आता है फिर भी कर लेंगे जा करके, और दूसरा यहाँ पे ये दिया हुआ और ये दिया हुआ, इसको फिलअप करना, तो ए एक्स आई कैप ए वाई जे कैप, और ए का वैल्यू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस, और टेन थीटा का वैल्यू जिसके साथ एंगल हो वो नीचे, जिसके साथ एंगल हो, जल्दी से बता दो आई प्लस टू जे लिखा हुआ, हर एक किताब का सवाल है ये, कोई वेक्टर आई प्लस टू जे है और एंगल एक्स के साथ एंगल बना रहा है, एक्स के साथ एंगल कितना बना रहा है, बेटा बना रहा है, टेन बेटा की वैल्यू लिखनी है, वेक्टर आई प्लस ट्वाइस जे मेक्स एंगल बेटा भी थे एक्स एक्सिस, मेक्स एंगल बेटा भी थे एक्स एक्सिस, बेटा किसके साथ एंगल बना रहा है, एक्स के साथ, तो टेन बेटा की वैल्यू फिलअप करना, जिसके साथ एंगल वो कहाँ लिख दोगे, तो कितना लिखना, टेन बेटा की वैल्यू टू आ जाएगी, यही बोला कि जो वेक्टर जो है आई प्लस टू जे वाई के साथ थीटा एंगल बना रहा है, वाई के साथ कितना एंगल बना रहा है, टेन थीटा की वैल्यू बताओ, जिसके साथ एंगल वो कहाँ लिख देंगे, नीचे, यही वेक्टर अगर एक्स के साथ बेटा एंगल बना रहा है तो जिसके साथ एंगल बना था वो कंपोनेंट कहाँ लिखते हैं, पहले आप बताएंगे बेटा आई प्लस टू जे वेक्टर है, इसमें आप बताएंगे एक्स कंपोनेंट कितना है, वन, और वाई कंपोनेंट एंगल किसके साथ दिया हुआ, एंगल ये किसके साथ मेंशन किया हुआ, एक्स के साथ, एक्स वाला कंपोनेंट नीचे डाल दोगे, वन नीचे और ऊपर, तो टेन बेटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, जबकि यही बोला गया कि यही वेक्टर वाई के साथ थीटा एंगल बना रहा है, वाई के साथ कितना बना रहा है, तो टेन थीटा की वैल्यू निकालो, तो टेन थीटा की वैल्यू कितना निकालेंगे आप, वाई एक्स के साथ एंगल बना रहा था, वन बाई टू हो जाएगा, वाई वाला कंपाउंड नीचे रख दोगे, हर एक किताब का सवाल है, और ये सवाल हमने इसलिए उठा लिया कि काफी लोग पूछ भी चुके हैं ऑलरेडी, ये फंडा है, आप इसको इंश्योर करेंगे कि आपके दिमाग में ये फंडा रह जाएगा, तो जब क्वेश्चन सामने आएंगे तो डेफिनेटली आप निकाल के जाएंगे। आगे मूव कर रहे हैं हम लोग, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट मूव कर रहे हैं, कंपोनेंट निकालना सीख लिया, वेक्टर का फॉर्मेशन सीख लिया, तो कुछ ऐसे जनरल नॉलेज की कुछ बातें सीख लें, कि कल हमने क्या डिफाइन किया था, यूनिट वेक्टर डिफाइन किया था, क्या क्या बताया था इसके बारे में, बोलेंगे जल्दी लोग, मैग्नीट्यूड वन डायरेक्शन बताने के लिए यूज करते हैं, और ऊपर में वेक्टर लिखते हैं, नीचे क्या लिखते हैं, मैग्नीट्यूड, तो यूनिट वेक्टर निकल जाता, डायरेक्शन वेक्टर निकल जाता, तो वैसे ये क्या था, जीरो वेक्टर आता, जनरल नॉलेज है, इनका तो एक ही नाम नहीं है, दो तीन नाम है, हाँ जी, नल वेक्टर भी बोलते हैं, वॉइड वेक्टर भी बोलते हैं, इक्विलिब्रियम वेक्टर भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम वेक्टर, जीरो वेक्टर, नल वेक्टर, वॉइड वेक्टर, सारा एक ही नाम, यूजुअली जीरो वेक्टर कम चलता है, क्या चलता है ज्यादा, इक्विलिब्रियम में है, हमारा ऑब्जेक्ट किस में है, इक्विलिब्रियम में, तो जीरो वेक्टर के बारे में तो सुनेंगे, जीरो वेक्टर ऐसा वेक्टर होता है जिनका मैग्नीट्यूड जीरो होता, ऐसा वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन नॉट डिफाइंड, डायरेक्शन इज नॉट डिफाइंड,
डायरेक्शन अनडिफाइंड, डायरेक्शन आर्बिट्ररी, ऐसे वेक्टर को क्या बोलते हैं हम लोग? तो जीरो वेक्टर, नल वेक्टर, वॉइड वेक्टर, अराउंड जो है कि पूरे फिजिक्स में तो 20-30% जगहों पे हम लोग सिर्फ इसी को पढ़ते रहेंगे, जीरो वेक्टर को ही, नाम से नहीं अदर अदर फॉर्म्स में पढ़ते रहेंगे। डेफिनेशन याद होगी आपको, कितना होता है मैग्नीट्यूड? जीरो। डायरेक्शन क्या होता है? नॉट डिफाइंड को कैसे बताओगे? नॉट डिफाइंड को कैसे बताएंगे? पता ही नहीं हमें, पता ही नहीं, उसी को नॉट डिफाइंड बोलते हैं, आर्बिट्ररी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आर्बिट्ररी बोलते हैं। एग्जाम्पल ऐसे बोलते हैं, एग्जाम्पल ऐसे बोलते हैं कि कोई पर्सन जो है बिस्तर पे सोया और बिस्तर पे उठा, तो दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ जीरो वेक्टर। कोई पर्सन कहाँ सोया? बिस्तर पे सोया और सुबह में कहाँ पे उठा? बिस्तर पे उठा, तो उसका पर्सन का डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? तो दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ जीरो वेक्टर। जीरो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बोलेंगे, जीरो वेक्टर का एग्जाम्पल हो गया। क्लियर हो गया? अब डायरेक्शन के बारे में पूछेंगे कि पर्सन बिस्तर पे सोया, बिस्तर पे ही उठा, तो उससे पूछेंगे तुम्हारा रात में तुम लेफ्ट करवट थे या राइट में थे, या तुम्हारा माउथ ऊपर था या माउथ नीचे था, या 53 डिग्री ईस्ट था, वेस्ट था, कैसा था, तो क्या बताएगा? अरे पता नहीं, पता नहीं होता, किसी को पता नहीं होता, समझ आई बात नहीं? तो डायरेक्शन इज नॉट, जीरो वेक्टर का डायरेक्शन डिफाइंड नहीं होता है, समझ आ गई बात? मोदी साहब बिस्तर पे सोए और कहाँ उठे? बिस्तर पे ही उठे, तो दैट इज एग्जांपल ऑफ जीरो वेक्टर। ममता दीदी बिस्तर पे सोई और बिस्तर पे उठी, जीरो वेक्टर। ये दोनों जीरो वेक्टर बराबर हैं या नहीं है? बोलेंगे ममता दीदी बिस्तर पे सोई, बिस्तर पे उठी, वेक्टर एम है, एंड मोदी साहब जो है बिस्तर पे सोए, बिस्तर पे उठे, दैट इज द वेक्टर एम डैश, दैट वेक्टर इज। चार ऑप्शन बना देंगे, एम एंड एम डैश इक्वल, एम एंड एम डैश डिस्टिंक्ट, तो कौन सा सही चूज करोगे? इक्वल नहीं होगा, समझ नहीं अभी तक? इक्वल नहीं होगा, इक्वल, क्योंकि मोदी साहब को खुद भी नहीं पता कि 2 बजे रात में उनका डायरेक्शन ऊपर था या नीचे था, लेकिन कोई तो डायरेक्शन रहा होगा ना। अब ममता दीदी का 2 बजे रात में डायरेक्शन ऊपर था नीचे था उनको भी नहीं पता, लेकिन कोई ना कोई तो डायरेक्शन होगा ना। दोनों का डायरेक्शन बराबर होने की गारंटी है क्या? नहीं है। दोनों का डायरेक्शन बराबर होने की गारंटी है क्या? समझ आ गया या नहीं समझ में आया? तो इसलिए बोलते हैं कि दो जीरो वेक्टर मे और मे नॉट बी इक्वल। हाँ, वो दर्शन कहाँ से कर रहे हैं उस पर डिपेंड करेगा ना। अगर ऑब्जर्वर भी बस के अंदर ही है तो क्या बोलेगा? जीरो। और ऑब्जर्वर कहाँ पे है? बस के बाहर है तो क्या बोलेगा? वो उसका डिस्प्लेसमेंट हुआ, उसका डिस्प्लेसमेंट, समझ आई बात नहीं आई? तो आगे जो अदर चीजें हैं तो ऑब्जर्वर पे भी डिपेंड करता है, वो अलग से हम लोग डिस्कशन करेंगे टॉपिक्स में, बट अभी हम लोग जनरल नॉलेज की बात कर रहे हैं कि जीरो वेक्टर का मैग्नीट्यूड जीरो होता है, डायरेक्शन अनडिफाइंड होता है, और दो जीरो वेक्टर इक्वल हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। तो अगर पूछ दिया कि ये मस्ट बी इक्वल, डायरेक्शन मस्ट बी, दो जीरो वेक्टर का डायरेक्शन मस्ट बी इक्वल, तो स्टेटमेंट सही है गलत है? क्लियर बात हो गया आप लोगों को? तो आगे मूव करेंगे, तो ऐसे दो चार नाम सुन लें कि यूनिट वेक्टर एक नाम सुन लिया, एक जीरो वेक्टर नाम सुन लिया, तो पैरेलल वेक्टर कल देख ही लिया था कि अगर वेक्टर्स के बीच का एंगल जीरो डिग्री है तो क्या बोलते हैं? पैरेलल वेक्टर। और 180 डिग्री एंगल हो गया, एक ईस्ट और एक ईस्ट और एक वेस्ट, एंगल कितना हो गया? 180। एंटी पैरेलल वेक्टर क्या बोलेंगे उसे? या फिर अगर वेक्टर्स एक ही लाइन में, वेक्टर्स किस में है? एक ही लाइन में, तो क्या नाम से पुकारते? कोलिनियर। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि ये सब सेंटेंसेज क्वेश्चंस में लिखे रहेंगे,
कि कोलिनियर वेक्टर्स हैं, तो इसका मतलब क्या हो रहा, दोनों एक ही लाइन में दोनों वेक्टर, तो दैट इज कॉल्ड कोलिनियर वेक्टर। या बहुत सारे वेक्टर्स एक ही प्लेन में, तो क्या बोलेंगे उसे, कोप्लेनर। समझ आई बात नहीं, को इनिशियल, को एक्सियल, को इंसिडेंट, जो जिनका तो इंसिडेंस पॉइंट एक हो उनके लिए यूज कर सकते हैं। चले को पे आते हैं, ये क्या बताया, कोलिनियर हमने नाम दिया, क्या नाम दिया, कोलिनियर। दूसरा क्या था, कोप्लेनर। कोलिनियर, कोप्लेनर, को इनिशियल, अगर कुछ आप ऐसा बोलना चाहते हैं तो को इंसिडेंट, यही बोलना चाहते हैं, कुछ और बोलना चाह रहे हैं। को का मतलब है, ऐसे बोलते हैं कि एक ही लाइन वाले को क्या बोलेंगे, कोलिनियर, एक ही प्लेन वाले को कोप्लेनर, एक ही इनिशियल पॉइंट हो जिनका को इनिशियल, एक ही इंसिडेंट पॉइंट हो तो क्या बोलेंगे उसे, को इंसिडेंट, या क्या बोलेंगे, कॉन्करेंट, क्या बोलेंगे। तो दो वेक्टर्स क्या हो, दो वेक्टर्स डिफरेंट प्लेन में हो, कॉन्करेंट अलग वर्ड होता है, कॉन्करेंट ऐसा कुछ वेक्टर्स ले लें, डिफरेंट प्लेन्स में हो बट क्या हो, पैरेलल हो, तो उनको क्या बोलते हैं हम लोग, कंकरेंट। डिफरेंट प्लेन में हो, ऐसा हो और कोई दूसरा ऐसा कोई प्लेन में हो, डिफरेंट प्लेन्स में हो बट हो क्या, वो पैरेलल हो। डिफरेंट प्लेन्स में भी क्या हो सकते हैं, पैरेलल हो सकते हैं, तो ऐसे वेक्टर्स को क्या नाम देंगे आप, कंकरेंट वेक्टर्स। पैरेलल का सेंस ऐसा है, ऐसा आप यूज करें कि एक पर्सन इस प्लेन में सोया हुआ, एक पर्सन यहां पे सोया हुआ, ठीक है, और दूसरा कोई पर्सन है वो ऐसा किसी प्लेन में सोया हुआ, तो जो उस प्लेन में सोया हुआ और ये जो प्लेन में सोया हुआ, इन दोनों को क्या बोलते हैं हम लोग, कंकरेंट वेक्टर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कंकरेंट नाम है ये। आगे मूव करते हैं, ये समझ में आ गया कि कोलिनियर क्या होता है, एक ही लाइन में, कोप्लेनर मतलब एक ही प्लेन में, कोई इनिशियल मतलब सेम ही है स्टार्टिंग पॉइंट, तो वैसे क्या होता हमारे पास, तो वन विल बी द एक्सियल वेक्टर, क्या बोलेंगे आप, जिनका डायरेक्शन एक्सिस का लॉन्ग होगा, एक्सियल वेक्टर, जो कि इस बार आपके एग्जाम में आया था, एक्सियल वेक्टर जिनका डायरेक्शन एक्सिस का लॉन्ग होता है, डायरेक्शन अलोंग एक्सिस, एक्सियल वेक्टर डायरेक्शन अलोंग एक्सिस, डायरेक्शन अलोंग एक्सिस, डायरेक्शन अलोंग एक्सिस, एक्सियल वेक्टर डायरेक्शन अलोंग एक्सिस। ध्यान देखोगे रोटेशन वाले के यूज करते हैं, एक्सियल वेक्टर्स में एग्जांपल में आते हैं ओमेगा थीटा, ओमेगा अल्फा, या इनसे जुड़ा हुआ और क्या होता है, तो टॉर्क, तुमने सुना होगा आई अल्फा को क्या बोलते हैं हम लोग, या आई ओमेगा को क्या बोलते हैं, एंगुलर मोमेंटम, गुड। ऊपर वाले को थीटा को एंगुलर पोजीशन, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सीलरेशन, एंगुलर पोजीशन, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सीलरेशन, और इसको ओमेगा को आई से गुना कर दो तो ये बन जाता है एंगुलर मोमेंटम, और इसको आई से गुना कर दो तो ये टॉर्क बन जाता, तो ये पांच लोग कौन है, ये एक्सियल वेक्टर के एग्जांपल है। पूछा रहेगा टॉर्क कैसा वेक्टर है, चार ऑप्शन, एक्सियल, एंगुलर मोमेंटम कैसा वेक्टर है, एक्सियल, क्यों एक्सियल बोलते हैं, इनका डायरेक्शन एक्सिस का लॉन्ग होता है, एक्सिस का लॉन्ग दो डायरेक्शन होते हैं, एक्सिस का लॉन्ग अंदर भी हो सकते हैं और बाहर भी हो सकते हैं, फिलहाल तो एक्सिस का लॉन्ग होगा तो क्या बोल देंगे, एक्सियल, ठीक। और
ये एग्जांपल आपको याद हो गया होगा, यूजुअली ये पूछ रहे थे टॉर्क के बारे में, आई अल्फा को क्या बोलते हैं टॉर्क, आई अल्फा को टॉर्क बोलते हैं, और ये क्या बोलते हैं एंगुलर मोमेंटम, एल से रिप्रेजेंट करते हैं एंगुलर मोमेंटम, अल्फा को एंगुलर एक्सेलरेशन, ओमेगा को अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी, और थीटा एंगुलर पोजिशन। ये सारे किसके एग्जांपल हमारे यहाँ एक्सियल वेक्टर के एग्जांपल, डायरेक्शन एक्सिस के लॉन्ग होता, और एक्सिस के लॉन्ग तो बहुत ही आसान है, हर एक बच्चे को ये पता भी है कि क्लॉकवाइज के लिए एक्सिस के लॉन्ग अंदर लेते हैं, अगर ये क्लॉकवाइज घूम रहा है या एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो क्लॉकवाइज के लिए क्या बोलते हैं एक्सिस के लॉन्ग इनसाइड, अलॉन्ग एक्सिस इनसाइड, जैसे क्या बोलते हैं क्लॉकवाइज या फिर माइनस के कैप, और इसे क्या बोलते हैं आप एंटी क्लॉकवाइज या प्लेन के परपेंडिकुलर बाहर की तरफ आउटसाइड या प्लस के कैप। एक्सियल वेक्टर में दो डायरेक्शन होते हैं अंदर और बाहर, अंदर कब लोगे जब क्लॉकवाइज होगा, घड़ी के डायरेक्शन वाले को क्या लेते हैं क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज बोलें या अंदर बोलें या माइनस के कैप बोलें, तीनों क्या हैं सिनोनिमस, तीनों ही क्या है, फिजिक्स वाला कौन है माइनस के कैप, ठीक है, और जनरल लाइफ वाला कौन सा अंदर, या ज्योग्राफी वगैरह में क्या बोलेंगे तो क्लॉकवाइज, समझ आई बात नहीं आई, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। मैं बोलना चाहता हूँ ये पूरे फिजिक्स में चलेगा, पढ़ाई यहाँ पे कर दिएगा वेक्टर में, इस पर भी क्वेश्चन थे सर्कुलर मोशन के क्वेश्चन जो इस पर आया था कि सर्कुलर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, बोला जा रहा है कि एक्सियल वेक्टर होता ऐसा वेक्टर जिनका डायरेक्शन एक्सिस के लॉन्ग हो उनको क्या बोलते हैं एक्सियल वेक्टर, उसका एग्जांपल में आते हैं टॉर्क, एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर पोजिशन, ये सब कैसे वेक्टर्स हैं एक्सियल वेक्टर, इनका डायरेक्शन एक्सिस के लॉन्ग होता, डायरेक्शन एक्सिस के लॉन्ग होना हो तो एक्सिस के लॉन्ग अंदर भी हो सकता है और बाहर भी हो सकता है, जैसे तुमने सुना घड़ी कैसे घूमती है क्लॉकवाइज, तो कोई चीज क्लॉकवाइज घूम रही है तो उसका डायरेक्शन एक्सिस के लॉन्ग अंदर की तरफ होगा, किधर की तरफ होगा अंदर की तरफ, और अगर वो कैसा घूम रहा घड़ी को उल्टे डायरेक्शन में घूम रहा तो उसको एंटी क्लॉकवाइज बोलते हैं, तो वहां भी डायरेक्शन एक्सिस के लॉन्ग होगा, और कहां की तरफ बताएंगे एक्सिस के लॉन्ग बाहर की तरफ, कहां की तरफ बोलेंगे, समझ आई बात नहीं है, जैसे ध्यान से देखोगे कोई आपने सुना होगा ना पीपल का पेड़ होता, पीपल का पेड़ होता, हाँ उसके चार तरफ लोग घूमते हैं, तो अगर वो आदमी कैसे घूम रहा हो एंटी क्लॉकवाइज तो उसका डायरेक्शन पीपल का पेड़ होगा, अरे एंटी क्लॉकवाइज में प्लेन के परपेंडिकुलर बाहर की तरफ, कल ही तो बताया कि बोटनी में प्लांट को क्या बोलते हैं हम लोग प्लस के कैप, प्लांट को ही तो बोला था, हर घर तिरंगा को ही तो प्लस के कैप बोला था, हाँ या नहीं, तिरंगा के चार तरफ भी घूमते हैं लोग, घूमते नहीं घूमते, कभी कभी मोदी साहब घूमते हैं, तो पीपल का पेड़ की तरफ के चारों तरफ अगर एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे तो क्या हो गया वो तो प्लेन का परपेंडिकुलर कर बाहर की तरफ प्लस के कैप हो गया, और पीपल के पेड़ की चारों तरफ अगर क्लॉकवाइज घूम रहे हो तो रूट हो जाएगा प्लेन का परपेंडिकुलर अंदर की तरफ, समझ आई बात नहीं आई, ये कहां पे लागू होता है घूमने वाली चीज में लागू होता है, कहां पे लागू होता है ठीक, साइकिल का पहिया देखोगे कि साइकिल अगर आगे जा रही है तो देखोगे खड़े होकर पहिया कैसे घूम रहा है, कैसे घूमता है साइकिल अगर आगे जा रही है तो पहिया कैसे घूमता है क्लॉकवाइज घूमता है, कैसे घूमता है, समझ आई बात, ये देखोगे आगे हमें जरूरत पड़ेगी इसलिए मैं बोल दिया साइकिल का पहिया, साइकिल अगर आगे जा रही है तो कैसे घूमता है क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज का मतलब अंदर या बाहर, अंदर, और एंटी क्लॉकवाइज का मतलब बाहर, क्लॉकवाइज का मतलब अंदर और एंटी क्लॉकवाइज का मतलब, ये देखोगे मैं अपने हाथ से इसको ऐसे घुमा रहा हूं, अगर ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगा तो अपने आप बाहर आ जाएगा, अगर ये कौन सा डायरेक्शन होगा
एंटी क्लॉकवाइज, तो अपने आप क्या आ जाएगा? जिनके पास भी कलम है ऐसा करके देखें आप, ऐसे खुलने वाला जो कलम है देख घुमा करके, अपने हाथ को देखेंगे आप कैसे घुमा रहे हो। अगर एंटी क्लॉकवाइज घुमाओगे देखो तो कैसे घुमा रहे हो तुम, एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहे हो तो क्या जाएगा, वो बाहर आ जाएगा, खुलने वाला है वो पीछे से। हाँ पीछे से देखो, एंटी क्लॉकवाइज घुमाओगे तो कहाँ जाएगा, बाहर। ओके आ जाओ आ जाओ, देखो इसमें किससे चेहरा मिल रहा है, इसमें किसी का मिल रहा है? नहीं, इनमें जो बैठे हुए उनका चेहरा इनसे मिल रहा है किसी का? हाँ शेखर का मिल रहा है। हाँ शेखर, बोलिए क्या बोलना चाहते हैं आप? डॉक्टर बने नहीं बने? अरे तो डॉक्टर बन गए तो बोलो ना तुम। और इनको कुछ बताओ कि कैसे कैसे पढ़ना है। जनकपुरी में थे ना आप, तो बताओ ये लोग नए हैं यहाँ पे, तो तुमने जो है ना तुम्हें थोड़ा दूसरे को गाइडेंस भी देना होता है कि हाँ तुम्हें क्या क्या करना चाहिए, कैसे रहो कैसे पढ़ो। ऐसा नहीं कि बाहर की तरह घूमते रहो इधर उधर पार्क में, हैं घूम यहाँ घूमते हैं ना बाहर में। इनको समझाओ कि एक साल ग्रूमिंग करना होता है अपने आप को, कि अपने पोटेंशियल को स्टोर करना होता है, उसके बाद जो भी करना है। तो और कुछ शेयर करना चाहेंगे आप बोलिए ना। अभी तो बोलिए, इनको बताओ कि और कैसे कैसे रहना घर पे, कैसे कैसे पढ़ना है, सुबह में कितना पढ़ना, शाम में कितना पढ़ना, दिन में कितना पढ़ना है, यस 24 घंटे पढ़ते ही रहना है, क्या करना है? कितने बजे उठ जाते थे? 3 या 4 बजे उठ जाते थे। बताओ अपना रूटीन क्या, हम कैसे करते थे पढ़ाई? ये बोल रहे हैं कि बस बस पढ़ते ही रहते थे। रास्ते में भी घर पे जाते समय ना, यहाँ से निकल के जा रहे हैं तो फॉर्मल रिवाइज करते जा रहे हैं। तीन से चार बजे उठ जाते थे पढ़ने के लिए, और उस पर पढ़ना शुरू कर दिया। जब क्लास रही तो क्लास करने के आए यहाँ पे, जब आ रहे हैं रास्ते में तो भी कॉपी खोल करके जा रहे हैं, कॉपी में फॉर्मूले देखते हुए जा रहे हैं। और क्लास में जवाब देना चाहिए नहीं देना चाहिए, आप देते थे नहीं देते थे? क्लास में जवाब भी देना चाहिए, और क्लास में बात करना चाहिए नहीं करना चाहिए? और जो क्लास में पढ़ाया जाता है एग्जाम में क्वेश्चन आता नहीं आता? हाँ, मेरी एग्जाम से जैसे ये था हमारा तो दोबारा ही हुआ था ना नीट, तो जब वो दोबारा हुआ था 3 महीने तो सर ये बैचेस ऑलरेडी चल रहे थे, मैंने तब ज्वाइन करा था, मेरी तो फिजिक्स अभी कंप्लीट हो गई थी, फिर मेरे 143 तो तभी आ गए थे, तो मैंने फिर से अपीयर करा था ना, तो मेरा फिर इम्प्रूव हो गया था। और जो क्लास करवाई थी उस टाइम पे उसमें तो मैं सारे क्वेश्चन भी नोट से आई थी, 2 दिन या 3 दिन की गई, मुझे याद नहीं है, पर वो सब नोट से ही था, इनफैक्ट क्वेश्चन से रिपीट हो रहे थे, और वहाँ जाके मैंने ना इसलिए सॉल्व कर लिया था कि कहीं ना कुछ गलती ना हो, अगर कहीं मेरे को आंसर याद ही नहीं है ये क्वेश्चन है, आंसर क्वेश्चन है। सेम क्वेश्चन सर? हाँ सेम आया, पर
होता है उसके लिए आपको बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की जरूरत है। यहाँ पे तो करवाया हुआ रहेगा ही, बट आपको फिर भी वहाँ पे कन्वर्ट करने के लिए तो आपको बहुत चीज मेहनत करना पड़ता है। आप ऐसे लोग में बहुत मिसगाइड कर देते हैं, जैसे मैंने ऐसे करना था, बिल्कुल मैं बहुत सारा टाइम वेस्ट हो गया कि कुछ नया कर लो, नया कर लो, नया कर लो। सर हमेशा यही बोलते हैं, जब IF.DS है तो उसी को प्रैक्टिस करो ना। ये बोले दिन कंटेंट रहना चाहिए, ऐसा नहीं कि फिजिक्स में बताया कि सूरज के नीचे जो भी है फिजिक्स है, ऐसा नहीं कि तुम एससी वर्मा भी पढ़ने लगे कुछ और, मतलब बहुत सारी किताब आते हैं, जीवंस की भी आते हैं, रेशनी खेल्ड आता है, इरोडोव आता है, ऐसे बहुत सारे किताब आते हैं, तो उनकी लिमिट नहीं है। बट आपके एग्जाम के लिए तो जो फिजिक्स है जो यहाँ पे पढ़ा दूंगा लिख दूंगा उससे कुछ भी बाहर नहीं आएगा, तो आप ये इंश्योर करें कि आप उस पर ज़्यादा भरोसा करें, और जो आपको क्लास में पढ़ाया जा रहा है जो बातें जो हैं आपको यहाँ से क्लास नोट्स के अलावा जो क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं उस पर ज़्यादा भरोसा करें, या आपको कन्वेंशनल मटेरियल जो होता है जो आकाश का या एलियन का कोई मटेरियल है तो आप उसे आराम से प्रैक्टिस करें, ये दोनों कन्वेंशनल है उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो स्पेशली उसी के लिए निकाले ही है, समझ आइए बात। बट अननेसेसरी जो है ना कि आप टाइम वेस्टेज ना करें कि हम कोई दूसरा किताब से और भी पढ़ रहे हैं, कोई और ऐसे कि प्रदीप का किताब आता है कैसा है या फिर दूसरा आपकी किताब आता है, तो अननेसेसरी उसमें टाइम वेस्टेज ना करें, प्रोफेशनल मटेरियल रखें जो यहाँ से मिल रहा है या फिर आकाश का टारगेट रख लेते हैं, आकाश और एलन का रख लें, मोर देन सफिशियंट हो गए पूरी जिंदगी में, उससे ज्यादा आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी फिजिक्स का, अननेसेसरी काम करने की कोई जरूरत है, वही टाइम को आप कहाँ डिवोट करो। जैसे बोल रहा है ना कि केमिस्ट्री में दिक्कत आ गई, बाकी जो है तो केमिस्ट्री और बायोलॉजी में आपको दिक्कत आ सकती है, तो आप उन टाइम को वहां पे लगाएं, नहीं समझ आई बात। आपको लगता है कि नहीं हमने तो फिजिक्स पढ़ लिया और हमारा जो केमिस्ट्री और बायोलॉजी भी पढ़ लिया, और आपको लग रहा है कि नहीं अब हमें फिजिक्स आने लगा, तो आपको ऐसा होगा, आपको लगा नहीं थोड़ा इरोडोव देख लेते हैं, बहुत हमने सुना है इरोडोव के क्वेश्चन ऐसे ऐसे होते हैं, आप बैठ के लगाएंगे एक दो घंटे, आपसे कुछ क्वेश्चन लग भी जाएंगे, बट वो आपको एग्जाम के लिए ज़रूरत नहीं है। तो उसमें जो इरोडोव के क्वेश्चन को बनाने में जो आधे घंटे, एक क्वेश्चन को बनाने में आधे घंटे का टाइम लगा ना आपको, आपने सोच के बना भी लिया, तो इसका लॉस एग्जाम में ये होगा कि आप जाएंगे तो आपको लगेगा कि क्या करें, कोई क्वेश्चन आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि इसमें मैं सोचूं, बार बार सोचूं, जितना सोल्यूशन चाहिए उससे ज़्यादा आप सोचते रहेंगे, नहीं समझ में आई बात। जबकि वो क्वेश्चन आपके एग्जाम में जाएगा तो कुछ सेकेंड का क्वेश्चन होता है, 30 सेकेंड या 40 सेकेंड में ही आंसर आ जाता, जबकि आपकी एक हैबिट हो जाएगी सोचने की, लंबा सोचने की, तो उससे क्या हो जाएगा फिर आपको लॉस हो जाएगा। ये एक बच्चा बोल रहा है, ऐसे बहुत बच्चे आके बोले, गर्भ भी एक बार बोल रहा था, वो गर्भ बोल रहा था, एक लड़का है गर्भ, उसकी वो भी कहीं MBBS में होगा ही है, इससे जूनियर है वो, तो वो भी यही चीज़ बता रहा था कि उसके साथ वाले जो है SC वर्मा ये वो करके बहुत मुश्किल से तो 120 नंबर लेकर आया, और उसने बोला कि हम तो कुछ भी नहीं करे थे, सिर्फ क्लास नोट्स पढ़ के गए थे, और उसको भी ऐसे 160 के आसपास कुछ आया था नंबर, नहीं समझ में आई बात। फिजिक्स में जो यहाँ पे पढ़ाया जाएगा वो आपके लिए मोर देन सफिशियंट होता है, और आपको तो बता, आप तो वो पहले वीडियो बना के नहीं रखते थे ना, अब 2 साल से वीडियो भी बना के रख दिया सेव करके, अराउंड इस बार के जो 50 क्वेश्चन है तो अराउंड 25 क्वेश्चन तो रिविजन क्लास से डायरेक्ट आ गया, जो कि मैं बोल रखा हूँ, और जो क्वेश्चन वैसे कि एफिशिएंसी ऑफ द कार्नोट इंजन इज 50% एंड टेम्परेचर ऑफ द सोर्स इज 600 केल्विन, फाइंड द टेम्परेचर ऑफ द सिंक, समझ आई बात, बस दे जाके देख लोगे, या सीधे सीधे यही बोल रहा हूँ कि 10 रेसिस्टेंस 10 ओम के हैं, 10 रेसिस्टेंस कितने ओम के, 10 ओम के, तो उनका मैक्सिमम रेसिस्टेंस की वैल्यू निकालो और मिनिमम रेसिस्टेंस की वैल्यू निकालो, तो मैक्सिमम की वैल्यू तो अगर सीरीज में हो जाएगा, मिनिमम की वैल्यू पैरेलल में हो जाएगा, दोनों का रेशियो निकालो तो सब आ जाएगा, जाके देख लो सब आया हुआ, ऐसे आंसर भी यही है और क्वेश्चन भी यही है। तो
आप लोग अपनी तरफ से आपके अंदर से कुछ क्वेश्चन आ रहा है तो वो पूछने की कोशिश कीजिए। आप इनसे पूछिए ऐसे ऐसे चीज ना, अभी आप इनिशियल स्टेज में, आप फुल इनसे रूटीन पूछिए कि हाँ दीदी आप कितने बजे उठते थे और क्या कौन सा सब्जेक्ट कब पढ़ते थे, ठीक है, और कैसे कैसे पढ़ते थे, क्लास नोट्स बनाते थे नहीं बनाते थे, क्या क्या करते थे, सारी चीजें आप पूछेंगे तो आपको उस लाइन पे चलोगे तुम भी सिलेक्ट होकर यहाँ पहुंच जाओगे। और ना प्रीवियस ईयर की वाइज की उसको तुम कैसे याद हो जाएगी, ये फॉर्मूला ये वर्बली सॉल्व करके आने चाहिए, इतनी ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। और हमें भी सर यही सिखाती है कि बाकी जो इंस्टीट्यूट के बच्चे थे जिसमें काश जाती थी तो वहाँ पे लोग ना सॉल्व करने से बहुत करते रहते हैं, हम लोग तो सारे सॉफ्टवेयर जाते थे, हम वर्बली इंग्लिश कर लेते हैं। एनसीईआरटी क्वेश्चन ये मैंने तो 11th 12th में करे थे, मेरे को लग ही रहा था कोई यूज है, नहीं वो पूछेंगे नहीं, बस मैं बोल रही हूँ कोई भी एक क्वेश्चन मैं कर लो किसी भी इंस्टीट्यूट का जो तुमको अच्छा लगता हो। और केमिस्ट्री में भी मैंने बहुत सारा पढ़ा था, लाइक मेरी सिस्टर भी अभी एमबीबीएससी कर रही है, उधर ना पहले रुचि मैम पढ़ाते थे तो उसने रुचि मैम की थी, मैंने नहीं की है दो चीज करे मैम कुछ नहीं करा रही, मैम तो प्रॉपर करा देती हैं और उसने मुझसे अच्छा परफॉर्म करा था केमिस्ट्री में, तो मेरे को यही लगता है कि यार टू द पॉइंट पढ़ो ज़्यादा मत पढ़ो। और आगे भी यही करना है एमबीबीएस में भी, जैसे अब मेरे पे एमडी का सिलेक्शन हो जाएगा, बाकी लोग भी पढ़ते थे पर वो बहुत सारा सारा पढ़ लेते थे और लास्ट टाइम पे वो रिवाइज नहीं हो पाता, यही प्रॉब्लम आती है हर बार। तो एक ग्रुप को 10 बार ही पढ़ना है रादर देन रीडिंग 10। ये जो है ना जैसे सपोज है कि ये बात पूरी अगर 100% जो है कि उस समय इनको समझ में आता तो इनकी और अच्छी रैंक आती, लेकिन जैसे जो है ना कि धीरे धीरे इनको समझ में आया कि हाँ हम कौन साइज होकर पढ़ना है, जैसे बोल रहे ना कि केमिस्ट्री में हमने तो अनबाउंडेड पढ़ लिया तो उस कारण से कम आ गए नंबर, बाउंडेड पढ़ना है हमारे एग्जाम में आता हम उसी को टारगेट करेंगे बस। अब जो है कि बोल रहे हैं पीजी में हमने ऐसा कर लिया कि हमने कंटेंट कम रख करके पढ़ा तो हमारा सिलेक्शन हो गया और बाकी लोगों का नहीं होगा, क्षमा जाए बात नहीं, तो आप अभी से लर्न कर लेंगे ये बात को कि नहीं जो चीज़ें बोली जा रही है उस तरीके से हम पढ़ेंगे तो आपका सिलेक्शन जल्दी हो जाएगा। ये जैसे अभी इन्होंने बोला ना कि जैसे जनकपुरी में या जहाँ भी बच्चे का कलेक्शन होता है असेंबल होकर तैयारी करते हैं तो उनमें मोस्टली लोगों का सिलेक्शन इसलिए नहीं हो रहा कि वो ज़्यादा पढ़ लेते हैं, ऐसे होते हैं ना काफ़ी लोग एक साल से तैयारी कर रहे हैं, दो साल से तैयारी कर रहे हैं, तीन साल से तैयारी कर रहे हैं, ऐसे काफ़ी लोग होते हैं तो उनका सिलेक्शन क्यों रुका हुआ, ज़्यादा पढ़ लिया उन्होंने, एक्स्ट्रा पढ़ लिया, सिलेक्शन के लिए कम नॉलेज की ज़रूरत है, चैंपियन बनने के लिए कम नॉलेज की ज़रूरत है। आपको सुना होगा कि जैसे लेकिन आज से 15 साल पहले जाने जाएंगे तो लोग बोलते थे कि धोनी को बैटिंग करना नहीं आता, समझ आई बात नहीं, वो किताब के बाहर का शॉट मारता था वो। तो चैंपियन बनने के लिए अलग क्वालिटी होनी चाहिए, चैंपियन बनने के लिए अलग क्वालिटी होनी चाहिए। आप अनवांटेड जैसे इन्होंने मास्टर पॉइंट बता दिया कि हमेशा क्या रहें आप बाउंड्री में रहें, आपके एग्जाम का जो डायमेंशन है उसके बाउंड्री में रहेंगे तो आप जल्दी सिलेक्शन हो जाएगा। आप ये नहीं बोल रहे कि आप अनवांटेड जाएंगे तो आपका नहीं होगा, लेकिन अगर बाउंडेड रहेंगे तो क्या हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा, आसानी से हो जाएगा, एफर्ट कम लगाना पड़ेगा। और अगर आपका एफर्ट है आपके पास तो उसको बायोलॉजी और केमिस्ट्री में ज़्यादा इनपुट में डालें, क्योंकि फिजिक्स तो हो ही जाएगा, फिजिक्स का तो सोचो ही मत, तुम फिजिक्स के बारे में तुम सोचो ही मत, अगर तुम टेंटेटिव रहते हो यहाँ पर रेगुलर आते हैं जो चीज़ें बोली जाती है, जैसे मैं कल बोला था कि कल जो कंटेंट पढ़ा रहा हूँ जो भी बॉक्स में डाल देता हूँ, ऐसे मैंने डिजाइन बनाया, तैसे तुम जाकर क्या कर लोगे अपना एक अलग से नोटबुक बनाओगे जिसमें बताओगे कि एक्सियल वेक्टर के लिए परमानेंट पूरे फिजिक्स में डायरेक्शन के लिए चलता रहेगा, क्लॉकवाइज के लिए अंदर माइनस के कैप, एंटी क्लॉकवाइज के लिए बाहर प्लस के कैप, और 10 जगहों पर इसको मैं यूज करूँगा, इसकी मास्टरी करनी है। और जहाँ पे क्वेश्चन है जो बताया कि आज सर्कुलर मोशन का एक क्वेश्चन इस बार भी आया हुआ कि एंगुलर एक्सेलरेशन का डायरेक्शन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में 4 ऑप्शन दिए हुए अलॉन्ग द एक्सिस है, जो आंसर होगा वो ट्रू होगा, बाकी ऑप्शन गलत है, वहाँ पर क्षमा जाएगी बात नहीं आएगी। जो भी सर शॉर्टकट्स बता देना उनको वैसे ही याद देना,
हम लोग तो सॉल्व कर लेते अपने तरीके से कि हम तो कर ही लेंगे। मैं भी यही गलती करती थी और फिर मेरी बहन बिल्कुल सर को बोले रहती थी एग्जैक्टली जैसे सर बताएं, वो जल्दी करने लगी तो फिर मैंने उसको प्रॉब्लम दिया ये बोल रहे हैं कि ये आपका नाम सालू है और दूसरा शीतल, तो शीतल छोटी और ये बड़े दोनों साथ में जब तैयारी कर रहे थे ना तो वो साथ में ही थे यहीं जनकपुरी में, दोनों यहीं पे पढ़ते थे। ये बोल रहे हैं कि हम किसी और मेथड से भी पहले पढ़ रखे थे 11th 12th में, तो इस कारण से दूसरे दूसरे मेथड से भी पढ़ते थे, जबकि वो सिर्फ यहीं पर पढ़ी थी 11th में ही आ गई थी वो, तो यहीं का नियम पढ़ती थी और उसी से वो जल्दी जल्दी निकाल लेते थे आंसर, ये पीछे हो जाते थे। तो फिर लगा कि नहीं वो यहाँ से पढ़ने के बाद जल्दी जल्दी निकाल रहे तो हम भी इसी सिर्फ यही इसी को फॉलो करते, तो फिर इनका भी इम्प्रूवमेंट हुआ उससे। बात को लिए क्लियर हुई क्या बोल रहे हैं ये? और क्लास में ना एटीट्यूड ऑफ लर्निंग के साथ आने चाहिए, हमें कुछ नहीं आता, हमें सीखने आए हैं, जैसे सिखा रहे वैसे ही सीखते जाएंगे। वो हमने भी कल बताया कि आप ऐसा ना सोच के आए कि हमारे 540 आ रहे हैं, 560 आ रहे हैं, 580 आ रहे हैं, 620 आ रहे हैं, ऐसे ना सोच के ना आए, हमें आए कि जो भी यहाँ पे लिखा जा रहा है वो ब्रह्मवाणी है, उसको हम याद करें। हम जो है कि तीर्थ स्थल पे आ रहे हैं, फिजिक्स का तीर्थ स्थल है यहाँ पे, जो भी बोला जा रहा है। तीर्थ में जाते हैं तो क्या करते हैं लोग? अरे तो माता रानी का जपते रहते हैं, माता रानी जो करेंगे अच्छा ही करेंगे, ऐसे ही करते हैं ना लोग। तो सेम चीज़ बोल रहा है कि जो यहाँ पे बताया जा रहा है आपके नीट के लिए बताया जा रहा है, वो आपके लिए वहाँ पे यही होगा, इसके अलावा जो कुछ आप सोचते हैं तो वो उसमें कोई गारंटी नहीं होगा ही, लेकिन ये जो बताया जा रहा है ये तो डेफिनेटली होगा ही होगा। और जैसे 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 पॉइंट बताया जा रहा है वो सब पॉइंट्स अगर सब कुछ सबको याद हो जाता है सब कुछ वैसे वैसे उसी तो थीम में, उसी थीम में आप यूज कर लेते तो डेफिनेटली चमत्कार हो जाएगा। काफ़ी लोग ऐसे हुआ कि जो यहाँ पे जिनके नंबर 25 आते थे वो डेफिनेटली जाकर 150 लेके चले गए, या जिनके नंबर 30 आते थे वो 170 लेके आ गए। और सबसे इम्पोर्टेंट होता है बिलीव इन योर टीचर, ये चीज मेरे को बहुत लेट समझ आई पर ये इम्पोर्टेंट है, ये ना की है कि सब कुछ हो जाएगा, खुद पे बिलीव करना है, अपने टीचर पे बिलीव करना है। और जब मैं एग्जाम लेके आई ना, मेरे को ना कभी टाइम ही नहीं, काफी सर जो कराएंगे पर एग्जाम लेने को, पर एग्जाम लेने के बाद आई वॉज दी फर्स्ट पर्सन टू से कि हाँ मैं सब नोट से आया, बिल्कुल एग्जैक्ट वही क्वेश्चन आया, तो मेरे को इतना अच्छा लगा ना कि मैंने कभी से वहाँ से कर दी। और मैंने शायद केमिस्ट्री भी करी होती तो मेरा बहुत अच्छा होता है। आपके साल को तो कुछ दिक्कत नहीं है, आपके पास अभी पूरा एक साल का समय है, एक साल पूरे कंपोज होकर रहना होता। मे भी अभी ना हो सकते एक महीने दो महीने तीन महीने तक लोग चैनलाइज रहते हैं, चार्ज रहते हैं कि नहीं हमें तैयारी करना, डाइवर्सन जाकर दिसंबर के आसपास आता है कि दिसंबर में जाकर काफ़ी लोग सोचते हैं मेरा सिलेक्शन हो गया, फिजिक्स से पढ़ लिया और बाकी कुछ प्रेम कहानी बना लेते हैं, तो ऐसा वैसा भी हो जाता है। तो प्रेम कहानी जो है कॉलेज में स्टार्ट करें, वहाँ पर जो है ना काफ़ी मौके मिलेंगे, यहाँ पे कुछ नहीं है। मैं जनरल बोल दे रहा हूँ कि ये सब बातें नहीं करनी है हमें, एक साल तक पूरे कंपोज रहना कि नहीं, ये क्या होता, ये क्या सोच रहा है, मैं क्या सोच रहा हूँ उसके उसके पीछे आपको होना चाहिए कि ये क्या सोचता है। पूरे साल तक हमारा फोकस ये रहता है कि अगले साल 2024 में कौन सा एग्जामिनर क्या सोच रहा, हम ये सोचते हैं कि एग्जामिनर क्या सोच रहा है। जो एग्जामिनर है ना तो हमारे एज के ही लोग हैं, वहाँ जो क्वेश्चन बना रहे हैं एनटीए में तो हमारे एज के ही लोग हैं, काफ़ी लोग हमें जानते भी हैं, तो एक इंटरनल भी चलता है, इंटरनल भी चलता है कि क्लास में ये पढ़ा रहा है। जैसे गलती करके वो आ गए इस बारी बन में रूट भी हमने इतना पढ़ा दिया डी ब्रोगली वेवलेंथ जो है 1/√V
एक्सरे का जो वेवलेंथ था तो कम पढ़ाया और डिब्रोगली वेवलेंथ तो ज्यादा पढ़ा दिया। बनवे रूट व्हील ऑप्शन जो वहां सही होना था, एक्सरे का वेवलेंथ उसने उन्हें पूछा, जिनको याद होगा तो एक्सरे का वेवलेंथ क्लास में पढ़ाया हुआ है, करेक्टरिस्टिक एक्सरे और कंटिन्यूस एक्सरे HC/EB भी आता है। तो लैम्डा इज प्रोपोर्शनल टू 1/V, जबकि उन्होंने पूछा कि हमने जो है डिब्रोगली वेवलेंथ पे इस पर काफी ज्यादा स्ट्रेस दिया, हर एक साल एग्जाम में आ रहे थे, तो डिब्रोगली वेवलेंथ का लैम्डा की वैल्यू आपको याद होगा, लैम्डा डी इक्वल टू 1/√2m ऐसा कुछ आता क्यू भी, तो डिब्रोगली ऐसा आता। उन्होंने ऑप्शन है दोनों ही दिया, तो कुछ लोग जो नींद में थे तो यही टिक आउट करके आ गए, जबकि वहां पूछा हुआ क्या था, कंटिन्यूस एक्सरे का वेवलेंथ। समझ आई बात नहीं आई? तो वो भी थोड़ा आगे पीछे करते हैं कि क्लास नोट्स में क्या पढ़ा रहे हैं यहाँ पे। तो क्लास नोट्स को अगर पूरा पढ़ेंगे तो थीम में पढ़ेंगे तो डेफिनेटली जो है कि कोई दिक्कत, ऐसे भी काफी बार ऐसा हुआ कि एक साल ऐसा हुआ था कि जिस साल जो है कि टेम्परेचर के वेरिएशन, गर्म करोगे ना किसी चीज़ को तो फ्लेम टेस्ट किया हुआ लेबोरेटरी में कि गर्म करेंगे तो क्या होता, कलर चेंज होता है। तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए तो बीन्स का डिस्प्लेसमेंट नियम होता, कौन सा नियम होता है, बीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ से फ्लेम का तो कलर जो है चेंज करता है, तो वो एक्सप्लेन किया जाता। और दूसरा एक गुड ऑब्जर्वर गुडी मीटर होता है, किरचॉफ्स लॉ, गुड ऑब्जर्वर इज गुड मीटर। तो नीट 2013 में सवाल आया था कि 1000 डिग्री पे 1200 डिग्री केल्विन पे तो कलर ऐसे ऐसे हैं, किसी चीज़ को बर्न आउट कर रहे हैं, कोई केमिकल को बर्न आउट कर रहे हैं, तो इनके कलर ऐसे ऐसे हैं कि कभी ग्रीन हो जा रहा है, कभी तो रेड हो जा रहा है, तो उसके कलर को कौन एक्सप्लेन करता है, किरचॉफ्स लॉ एक्सप्लेन करता है, या फिर बीन्स का डिस्प्लेसमेंट लीन एक्सप्लेन करता है, या फिर न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग एक्सप्लेन करता है, या स्टीफेंस लॉ एक्सप्लेन करता है, कौन एक्सप्लेन करता है, तो बीन्स करेगा। बट लेकिन पिछले साल भी या काफ़ी साल जैसे अभी आप हैं तो यहाँ नियम बना देते हैं कि जब मैं क्लास में आऊँगा तो खड़े भी नहीं होना है, गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग भी नहीं करना, क्या बोलना, गुड ऑब्जर्वर इज गुड इमीटर, क्या बोलना है, गुड ऑब्जर्वर इज गुड इमीटर किरचॉफ्स लॉ। समझ आई बात नहीं आई? तो उस साल काफ़ी लोग यही टिक करके आ गए, जो पूछा वो बताओगे ना तुम, या जब थर्मोडायनेमिक्स पढ़ाऊंगा तो पीवी डायग्राम का एरिया वर्कन देता, तो इतनी बार बोला गया पीवी डायग्राम का एरिया वर्कन देता कि लोगों का क्या करते जाकर के कोई भी डायग्राम दिया तो एरिया निकाल के आ जाता, कोई भी डायग्राम दिया हो तो एरिया निकालने की जरूरत, किसका एरिया वर्कन देता है, पीवी डायग्राम का एरिया से क्या निकलता है, वर्कन। अगर टीवी डायग्राम दे दिया तो एरिया निकालोगे क्या तुम, नहीं, पीवी डायग्राम रहेगा तभी निकालोगे। समझ आई बात नहीं? तो मैं ये मिस्टेक्स बता रहा हूँ कि काफ़ी लोग आए और बोले कि सर मैं तो यही कर दिया, डायग्राम कुछ दूसरा दिया हुआ और तुम एरिया निकाल दोगे तो गलत हो जाएगा ना, उससे भी बचना होता। पीवी डायग्राम का एरिया ही क्या देता है, वर्कडन देता है। तुम ऐसा सोच कर नहीं जाओगे कोई भी डायग्राम रहेगा मैं एरिया निकाल के आ जाऊँगा, क्या सोच के जाना, बताया इन्होंने कि ओपन माइंड रहना, कुछ लेके नहीं जाना बाहर से। हम जाएंगे वहाँ पे लिखा हुआ कि वर्कडन निकालो और डायग्राम भी क्या दियो, पीवी डायग्राम, तब क्या करेंगे हम, एरिया निकाल लेंगे। अगर कोई दूसरा डायग्राम दियो, टीवी डायग्राम दियो, तब उसके वर्कडन निकालने का दूसरा नियम बताएंगे, उसको यूज करना। समझ आ गई बात? तो जब एग्जाम में जाना होता ब्लैंक माइंड जाना होता कि क्या आएगा, कुछ नहीं, मैं फार्मूले सब कुछ याद है, हमने प्रैक्टिस करके आया और बाकी जो सामने रहेगा उसको, मतलब उसको बोलते प्री एजम्पशन में नहीं जाना, तो प्री एजम्पशन हम सोच के जाएंगे नहीं, कुछ भी पूछे मैं क्या कर दूंगा, गॉसेस थ्योरम लिख के आ जाऊंगा। ये बोर्ड के एग्जाम में चलता है, कुछ लोग पास करने के लिए ऐसा बताते हैं कि क्वेश्चन में तुम्हें कुछ भी लिखा रहा है, इलेक्ट्रोस्टैट का कोई भी क्वेश्चन हो, तुम्हें कुछ अगर ना आता हो तो उसमें गॉसेस थ्योरम लिख देना, कुछ नंबर तो दे ही देगा। तो बोर्ड के एग्जाम में भी कुछ वहाँ मिल जाए, यहाँ माइनस में मिलते हैं, यहाँ पे नहीं चलता है कि प्रिय शुरू पहले से डिसाइड करके गए और ऐसा करके आएंगे।
हाँ तो एक फाइनल आप रूटीन देते हैं अपनी तरफ से कि ठीक है जितने लोग तीन चार तीन बजे उठ जाते हैं बढ़िया है। तुम्हें पता होगा मोदी साहब कितने बजे उठते हैं? तीन बजे उठते हैं। ये जो है ना कि आपको सिखाया जाएगा, जैसे अब ये पीजी की तैयारी कर रहे हैं ना, तुम जो है आईएएस की तैयारी करने जाओगे, यूपीएससी सुना होगा, आईएएस की तैयारी करने जाओगे तो वहाँ पे तुम्हें सिखाएंगे। वहाँ पे पहला एग्जांपल यही होता है कि देश में जो है पावर तीन ही लोगों के पास होता है, पीएम डीएम सीएम। पीएम का मतलब प्राइम मिनिस्टर और सीएम का मतलब चीफ मिनिस्टर और डीएम का मतलब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। तो देश में इन्हीं तीन के पास पावर होता है। और ये आपको बताएंगे कि पीएम बनना चाहते हो तो तीन बजे उठो, और सीएम बनना चाहते हो तो चार बजे उठो, और डीएम बनना चाहते हो पाँच बजे उठो। अगर इससे लेट उठ रहे हो तो मुश्किल है, बहुत रास्ता मुश्किल है। नहीं डॉक्टर तो आपका इनिशियल स्टेज है ना, ये अंत थोड़े आगे भी करना होगा ना कुछ काम आगे भी, तो उसकी हैबिट अभी पहले से आपको रखना होगा। मतलब ये मानना है कि आपको पाँच बजे तो उठ ही जाना, आपको पाँच बजे तो उठ ही जाना। आपको पता है कि जो मोदी साहब तीन बजे उठ जाते हैं, योगी साहब चार बजे उठ जाते हैं, और जितने भी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं जिनका डिस्ट्रिक्ट अच्छा चल रहा होगा तो वो डेफिनेटली पाँच बजे उठ रहे होंगे। सभी लोग उस लेवल पे नहीं होता ना कि वो, काफ़ी लोग तो लेट भी उठते हैं। जैसे तुमने सुना होगा जो योगी साहब ने एक बार बोला कि हाँ अखिलेश यादव को सुबह उठने का कहा था वो तो 12 बजे उठते थे, नहीं सुना ऐसा? अभी जो इलेक्शन था ना 2000 कब हुआ, अभी जब यूपी का इलेक्शन था तो उसमें योगी साहब ने हकीकत बता दी थी कि अखिलेश बाबू जो है कि 11 बजे दिन में उठते हैं। तो उसके बाद अखिलेश साहब का भी तो स्टेटमेंट आया था कि मैं भी एक बार सीएम हाउस के आसपास से गुजर रहा था तो मैं भी देख रहा था कि वहाँ से कुछ धुआं निकल रहा है। मतलब क्या, मतलब वो इल्ज़ाम लगा रहे थे कि योगी साहब चिलम पीते हैं, ब्लेम गेम बोलते हैं, ठीक है एक दूसरे पे, तो ऐसा तो ऐसा ठीक है। चले फिलहाल वैसा तो हमें तो नहीं लगता कि योगी साहब पीते हैं, ऐसा कुछ तो हमें नहीं लगता। पढ़ते ही रहते थे, जैसे ना हमने भी ना इधर वॉकिंग करते हुए कभी आ रहे हैं इधर से तो अंदर में हमने भी देखा था काफ़ी बारी कि ये दोनों लोग, ये और शीतल, तो दोनों आपस में, तो उनके हाथ में कागज़ भी होता था ऐसे आपस में, मतलब घूम भी रहे हैं तो पढ़ रहे हैं, नहीं समझ में आई बात? पार्क में घूम रहे हैं दोनों सिस्टर्स तो अपने साथ में डिस्कशन भी कर रहे हैं कि हाँ जो भी केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी के बारे में डिस्कशन भी कर रहे हैं। और यही होना भी चाहिए, यही चीज़ मैं भी बोलता हूँ कि जो जस्ट ऐसे सुने, बेसिकली आप जो ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना, तो जो ऐसे जो रैंक बनाएगा तो वो ऐसा स्टेटमेंट देता है कि मैं 8 आवर्स पढ़ता था, 6 आवर्स पढ़ता था, बट वो 8 आवर्स 6 आवर्स बैठ के पढ़ते थे, बाकी रिमेनिंग जो 18 आवर्स या 16 आवर्स हैं तो उसी इन्वायरमेंट में रहते थे। वो उसी इन्वायरमेंट में रहने का यही मतलब है कि जहाँ भी ये घूम रहे हैं या जो डिनर भी कर रहे हैं, लंच भी कर रहे हैं, तो डिस्कशन कर रहे हैं। समझ आई बात? नहीं तो इनके साथ तो इनके सिस्टर हैं, बाकी जो है कि दूसरे आप लोग हैं जहाँ पे भी रहते, तो आप ऐसा सर्किल होना चाहिए कि हम जहाँ भी जिस ग्रुप में हैं तो उस बच्चे का पूरा फोकस कहाँ पर है, नीट पे है, ऐसे बच्चों को ही अपने तो ग्रुप में रखेंगे। सभी तरह के लोग हैं दुनिया में, सबके पास अपना अपना तो लाइफ है, तो आपको उसके साथ कनेक्ट होना, क्योंकि संगति का सबसे बड़ा असर होता है। आप किसके साथ रहते हैं, अगर वो अच्छा है तो डेफिनेटली आप बेनिफिटेड होंगे, बट जो है कि जो जिसके साथ जिस जो ग्रुप है आपका, अगर वो ग्रुप में सही नहीं है तो डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा लॉस करेगा वो। तो जिनके साथ भी ऐसा है कि जो आप जहाँ भी आसपास रहते हैं तो किसी को आप देखेंगे जिसका फोकस तो नीट के अलावा है, नीट के अलावा किसी और चीज़ पे फोकस्ड है, तो उससे डेफिनेटली अपने डिस्टेंस मेंटेन रखें, डिस्टेंस मेंटेन रखें 1 साल तक के लिए, कि आपका जब नीट में आ जाएगा तो फिर जो भी डिस्टेंस बनाना तो बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। बट अभी जो है तो अगर किसी भी का A to Z ऐसा कोई भी आपके आसपास में रहता हो जिसका नीट से अलावा कोई फोकस्ड हो,
मतलब जिनका क्वेश्चन ये था कि कितने घंटे पढ़ते थे, तो उसका मतलब ये होता है कि 24 घंटे में 6 घंटा स्लीपिंग आवर्स निकाल दो, 2 आवर्स और निकाल दो, तो 8 आवर्स हो गया, बाकी 16 हो गया। तो 16 में क्या करना, तो जितना आप पेन और पेपर के साथ पढ़ सकते हैं वो तो ठीक है, उसके अलावा जो घंटे हैं वो भी क्या होना चाहिए, उसी इन्वायरमेंट में होना चाहिए। अगर आप किसी पे, तो यहाँ से भी बात कर, काफ़ी लोग जो हैं जो अभी भी तो वो फ़ोन पे बात भी करते हैं किसी से, तो वो यही चीज़ डिसीजन करते हैं, फ़ोन पे किसी से बात भी कर रहे हैं तो यही चीज़ डिसीजन करते हैं कि हाँ जो है वेक्टर में जो पढ़ाया गया, तो ये मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन होता है, यूनिट वेक्टर होता है, जीरो वेक्टर होता है, तो यही डिस्कशन करते हैं आपस में। तो ऐसे लोगों से ही आप तो संगति में रहें, क्योंकि जब ये चीज़ जब आपके दिमाग में आ जाएगा ना, जब ये सोचना शुरू कर दोगे तो आपका स्पीड भी आ जाएगा अपने आप ही, स्पीड आपकी बढ़ जाएगी। जैसे काफ़ी लोग बोलते हैं कि हमारी स्पीड कम है, या बाद में पता चलता है एग्जाम देने के बाद कि हमारी स्पीड कम हो गई थी, हम इतने क्वेश्चन पूरे अटेम्प्ट नहीं कर पाए, या काफ़ी लोग बोलते हैं कि हमारा पूरा सिलेबस रिविजन नहीं हो पाया था, तो उनके पीछे भी क्या लॉजिक है, स्पीड की कमी है। तो स्पीड आएगा जब आप पूरा उस इन्वायरमेंट में चले जाओगे, अपने आप को उसमें ऑब्जर्व कर दोगे पूरी तरह से। जैसे आप ये जैसे ये बता रहे हैं, वैसे भी हम अपने जब मैं प्रिपेयर करता था, हमारा भी यही आदत था, ये क्वेश्चन जब कहीं भी जा रहे थे ये क्वेश्चन पेपर हमारे हाथ में, और क्वेश्चन ऐसे पढ़ लिया कि जो मुझे यूजली जो है तो ऑर्गेनिक क्वेश्चन हम लोग करते थे, या इनऑर्गेनिक के रोड मैप क्वेश्चन होता कि एक कॉम्पाउंड ए है जो इसके इससे इस रिजेंट से रिएक्ट करने के बाद तो वाइट कलर का पीपीटी देता है, और फिर यहाँ से ऐसे कलर का गैस निकलता है, फिर ये इससे रिएक्ट करता है। तो बाद में उन्होंने पूछा था कि ए बी सी डी ई कौन कौन से कंपाउंड होंगे, ये नाम बताओ इनके, रोड मैप क्वेश्चंस। ऐसा ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में क्या होता, बहुत सारे क्वेश्चंस होते, कुछ लिखने की जरूरत नहीं, अगर आपको याद है तो डायरेक्टली डिकोड कर लेंगे, ये जो है तो कौन सा कंपाउंड होगा, हाँ या नहीं, क्योंकि वही चीज़ पढ़ना है, वही सातवीं क्लास में वही पढ़ा होगा इनऑर्गेनिक में, और नाइन्थ में भी वही पढ़ते हैं, और एलेवंथ में भी, और आई टी में भी, और नीट में भी वही पढ़ाई होती, कुछ नया एक रिएक्शन नहीं आता। हमने सातवीं क्लास में पढ़ा था कि जिंक पे H2SO4 डालोगे, सातवीं क्लास का प्रैक्टिकल होता है ना, उसमें पढ़ा था कि जिंक पे H2SO4 डालते हैं तो हाइड्रोजन गैस निकलता, हाइड्रोजन गैस कलरलेस होता, समझ आई बात। वो जब मैं IIT का एग्ज़ाम दिया हुआ था यही क्वेश्चन आया हुआ था कि कंपाउंड ए है या एक एलिमेंट ए है जिसपे एक कंपाउंड बी डालते हैं तो एक कलरलेस गैस निकलता, और फिर जो है कि वो कलरलेस गैस जो या ZnSO4 बन गया तो उसको इसके साथ रिएक्शन करते तो ये कंपाउंड बनता है, ऐसा ऐसा बनता है, तो ABCDE का नाम बता। वो सातवीं क्लास में हमें याद है कि हमने प्रैक्टिकल में लिखा था, जब IIT में जाओगे तो वहाँ पे आपस में लोग ऐसे डिसीजन करेंगे, और ये मैं तो ये कॉन्सेप्ट 9th क्लास में पढ़ा था, मैं 7th में पढ़ा था, कोई बोले मैं 3rd में पढ़ा था, ये तो वो हाइट लेकिन मैथमेटिक्स में हाइट एंड डिस्टेंस आता है, वो 9th क्लास में भी पढ़ना है, और IIT में भी पहले क्वेश्चन आते थे, अभी तो शायद हटा दिया सिलेबस से, तो डेफिनेटली इनऑर्गेनिक वाला तो वही चीज़ है ही। तो बता दें कि 7th क्लास का हमें नोट्स का हमें याद है कि हमने वहाँ पे लिखा था, वही चीज़ था। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप जो है कि 24 घंटे को 36 बनाते हैं, 24 घंटे को 12 घंटे में कन्वर्ट कर देते हैं, समझ आई बात नहीं। जिसी को लोग बोलते हैं कि आजकल ये डायलॉग चलता है कि हम 24 घंटे नहीं, हम 26 घंटे पढ़ते हैं, तो 26 घंटे वो 24 घंटे को कैसे बना लेते हैं, तो जो भी आप सो रहे हैं वो नींद में भी तो डिस्कशन कर रहे हैं, या नींद में भी उनका साइकिल चल रहा है, सपने भी उसी के आ रहे हैं, समझ आई बात नहीं है। तो आपको ये अगले जो भी जितने भी टाइम बचा हुआ तो इस तरह से डेडिकेट करेंगे तो डेफिनेटली आपके लिए तो केक वाक होगा, कि आपके लिए तो एम्स जो है या मौलाना आजाद का जो रास्ता बहुत आसान होगा, और कोई दूसरे रास्ते में जाएंगे तो फिर टफ हो जाएगा, या टाइम टेकिंग होगा। जिनका क्वेश्चन था कितने घंटे वाला क्लियर हुआ नहीं हुआ, आप एक तो पेन एंड पेपर के साथ पढ़ते हैं, साथ के साथ उसके अलावा जो रिमेनिंग टाइम है उसी इन्वायरमेंट में रहना होता, कोई दूसरा काम नहीं करना होता। आप घर पे भी हैं, मम्मी पापा आए हुए हैं तो उनको भी बोलते हैं कि मम्मी या पापा जो हमने जो है इतनी पढ़ाई करी है, देखो ये सीट है, इसे कुछ फार्मूले हमसे पूछ के देखो, तुम इसके फार्मूले कुछ हमसे पूछ ले, देखो हमें याद है या नहीं। इसको बोलते हैं अपने आप को टेस्ट में डालना हमेशा। जब जैसे हमें जब मैं आपके लेवल में जब तैयारी कर रहा था, हमारे कुछ सीनियर जो हैं तो ऑलरेडी IIT में पढ़ रहे थे,
जो हमारे स्कूल के थे, हमारे सीनियर थे, जो ऑलरेडी उनका सिलेक्शन हो गया था आई दिल्ली में और मैं तैयारी कर रहा था, वो मेरे रूम पे आते थे मिलने के लिए। तो आए तीन सुबह शाम तक, अगर दो लोग आ गए, तीन लोग आ गए, तो तीन टॉपिक तो पूछ ही लेते थे आकर के। डाइपोल का तो एकदम निकाल दो, एक्जियल पोजीशन, इक्वेटोरियल पोजीशन पे तो फील्ड एंड पोटेंशियल डिराइव कर दो। किसी ने ये पूछ लिया, किसी ने आके पूछ लिया कि फराडेला के लिए तो तुम क्या करो, फ्लक्स मेजरमेंट कर दो, ये लूप है और ये ऐसा है, तो बताओ तो कैसा कैसा आता। तो सर्किल ऐसा था, जो भी आ रहा तो ऐसे पूछ रहा है, या घर में जो है ना, तो भाई लेके जो एल्डर ब्रदर हैं तो वो कोई पकड़ा गया, तो जैसे होता है कि सभी लोग जानते हैं ना, ये इन फेज से सब लोग गुजर रखा है, तो कोई भी बता दिया, कोई कन्वर्सन बता दिया कि लाइक प्रोपाइन से, तो लाइक प्रोपाइन से तो क्या बताते हैं, एस्ट्रीन बना दें, प्रोपाइन से एस्ट्रीन बना, कन्वर्सन होता ना, प्रोपाइन में तो तीन कार्बन वाले, प्रोपाइन होता नहीं होता, प्रोपीन होता है, प्रोपाइन होता, दोनों होता ना, एस्ट्रीन भी होता है, एस्ट्रीन भी होता है, तो ऐसे तो तीन कार्बन से दो कार्बन, कार्बन रिडक्शन मेथड होता है, कार्बन रिडक्शन करने का मेथड होता है, उससे तो कन्वर्सन करें। तो ऐसे कोई सुबह शाम तक दस आदमी मिला, दस क्वेश्चन पूछ दिया, तो इसको बोलते हैं इन्वायरमेंट में होना। तो अपने आसपास का इन्वायरमेंट आप ऐसा रखें ताकि हम जो कि 8 घंटे हम पढ़ते हैं क्लास में, बाकी 8 घंटे घर पे पढ़ते हैं, बाकी टाइम भी उसी इन्वायरमेंट में रहे। हाँ, और कोई क्वेश्चन पूछे, फ्री है आप पूछने के लिए इनसे। ये बोल रहे हैं कि नोट्स पढ़ लिए थे, जो आकाश इंस्टीट्यूट में पढ़ाया गया था इनके नोट्स उन्होंने पढ़ लिया, लेकिन बाद में इनको रियलाइज हुआ कि अगर हमें सिर्फ एनसीईआरटी पे अपने आप को फोकस रखते तो बेहतर प्रदर्शन करते, यही बोलना चाह रहे हैं ना आप। एक बार दो बार से नहीं होता बेटा, जितना टाइम पढ़ सकते हो, जैसे कल हमने बताया था ना कि हमने जितनी बार सांस लिया उससे ज्यादा बार ये क्या करा, फिजिक्स रिवाइज किया। रिवाइज कैसे करते, तीन मेथड होते हैं, वेक्टर मेथड, कैलकुलस मेथड एंड रिलेटिव अप्रोच। ठीक है, तो ये हमारा रिविजन हो गया कि वेक्टर में तो ऐसा वेक्टर्स कंपोनेंट लेते हैं, लेकर फॉर्मेशन करते हैं, यूनिट वेक्टर लेते हैं और ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्शन करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, डिवीजन करेंगे, ऐसा हो गया। कैलकुलस में मैक्सिमम मोनोटोनिसिटी, इंटीग्रेशन और स्लोप निकालना, एरिया निकालना, समझ आई बात। पैसे जो रिवीजन हो गया हमारा, रिवीजन का मतलब जो है ना, अपने अपने लेवल पे आपको डिपेंड करेगा। क्वेश्चन जितना भी कर सकते हो उसका कोई लिमिट नहीं है, जहाँ भी मिले तो उस पर लग जाओ, तुम्हारे लेवल का होना चाहिए। इनके समय भी कुछ लोग बच्चे पीजी का पढ़ते रहते थे यहाँ पे, आपको पता है ना कि फर्स्ट ईयर के बच्चे पढ़ते थे, हॉस्टल में बच्चे क्या पढ़ते रहते हैं, अरे फर्स्ट ईयर में ये बाइसेक्शन ट्राइसेक्शन करवाया जाता है, वो पढ़ना शुरू कर देते हैं। वो फर्स्ट ईयर में जब हम वहाँ पहुँचेंगे तो वो करवाएंगे ही, वो क्या दिक्कत है। लेकिन यहाँ पे हमारा एनसीईआरटी हमारा बस मंत्र है, हमारा बाइबल कुरान और गीता सब कुछ क्या है, तो बायोलॉजी में एनसीईआरटी है और फिजिक्स में जो यहाँ पे करवाया जा रहा है वही है, वो आपको याद है। तो बाकी क्वेश्चंस भी आपसे होंगे, कहीं भी क्वेश्चंस आपके लेवल को होंगे तो डेफिनेटली होंगे। मन नहीं कर रहा ना आपको, मन नहीं कर रहा ना, तो जाके फ्रेश जूस पियो, फ्रेश फ्रूट्स खाओ। ठीक है, तो दो चार क्वेश्चन नहीं हो रहा तो छोड़ के आगे बढ़ो ना, अगले दिन आगे पूछो ना। दो चार क्वेश्चन नहीं हो रहा, अरे तो ऐसे थोड़ी, अगर आप 20 क्वेश्चन 40 क्वेश्चन लेके बैठे तो ये वो गारंटी थोड़ी है कि 40 क्वेश्चन में तो 40 हो ही जाएंगे। 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन नहीं भी हो सकता, डिपेंडिंग ऑन आपका क्या लेवल है। अरे कोई बैट्समैन को देखा होगा ना कि हर एक बॉल पे 6 मार देता है, क्या नहीं मार पाता वो, कोई बॉल डॉट भी जाती है, कोई सिंगल भी लेता है, किसी पे तो मुश्किल से बच भी जाता है वो। ऐसे इनिंग्स बिल्डअप होता है, बाद में जैसे कुछ देर टाइम तक जम जाने के बाद हो जाता है, हर एक बॉल पे मारना शुरू कर देते हैं, कन्वर्सन रेट बढ़ जाते हैं, वो तो डिफिकल्टी हर एक सिस्टम में आएगा ही आएगा, समझ आई बात। नहीं तो उससे ऊपर उठेंगे, ऐसे नहीं कि हम तो वो वहाँ पे तो छोड़ दिया कि नहीं अब तो ये नहीं करेंगे, ऐसे नहीं, ये नहीं हो रहा ठीक है, हमारे फिजिक्स के नहीं हो रहे, केमिस्ट्री करना शुरू कर देंगे। ना ना, क्या आप बोलना चाहते हैं, तीनों डेली पढ़ें या
ये बोल रहे हैं कि जो क्लास में चल रहा है वो तो हम डेली करेंगे, उसके अलावा हमें सेल्फ स्टडी करना, कि अगर आपको वेक्टर पढ़ाया जा रहा तो हमने आज जो वेक्टर पढ़ाएगा वो तो वेक्टर के यहाँ पे रिवीजन कर, जो पढ़ाएगा वो रिवीजन कर लिया, प्लस उसके कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना तो वो तो कर ही लिया, उसके अलावा जो हमें सेल्फ पढ़ना तो उसमें अपने टाइम को आप जैसा चाहते हैं वैसा डिवोट कर लें। लेकिन जो क्लासेज में चल रहे हैं हमारे कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की जो क्लासेज में चल रहे हैं, तो वो डेली वो उसको छोड़ के हमें अपने जिद पे नहीं जाना। ऐसा नहीं कि यहाँ पे वेक्टर चल रहा है हम इसे पूरे दिन क्या पढ़ते रहेगा बायोलॉजी पढ़ते रहेगा, ऐसा नहीं करने बोल रहे, बैलेंस में रखने बोल रहे। क्लास को बैलेंस करने के बाद हमारे पास जो जितना टाइम मिलेगा जो डिफिकल्टी सबके साथ आएगी उसको ना उसके साथ लड़ने से ही आप आगे बढ़ेंगे, उसके साथ लड़ाई करोगे कि हाँ मैं आगे निकलना तभी आप बढ़ पाओगे। और किसी को दिक्कत आ रही है तो आप पूछेंगे, जो क्वेश्चन शूट करें आप। आपके पास जब तैयारी कर रहे था स्मार्टफोन नहीं, आप जैसे सोच रहे हैं ना वैसा, मतलब आप आपके पास स्मार्टफोन है बट उसको अवॉइड अभी कर सकते हैं कि हाँ हम फेसबुक नहीं चलाएंगे, व्हाट्सएप नहीं चलाएंगे, जो भी आप और चलाते हैं इंस्टाग्राम वगैरह देखते हैं तो नहीं देखेंगे, आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन यही देखा जाता है, आपने सुना होगा कि जो है ना क्या जिस ईयर में, तो कौन सा जो बैडमिंटन का चैंपियन आजकल कौन चल रही है, पी वी सिंधु बोला कि हम जब ट्रेनिंग में थे तो 3 महीने तक हमें फ़ोन से दूर रखा गया था, घर के कॉल को भी अटेंड नहीं करना, बस 3 महीने के ट्रेनिंग में, तो बस सिर्फ ट्रेनिंग था, नथिंग एल्स। तब वो सिल्वर मेडल जीत पाई, मतलब जो गोल्ड मेडल जीता होगा और क्या किया होगा बताओ, घर से भी तो कोई लेकर चैट नहीं हो सकता, बाहर का तो छोड़ ही दो। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है किस लेवल पे जाना चाहते हो, ठीक है वो। अरे लेकिन डेफिनेटली आप मिनिमाइज तो करने की कोशिश करेंगे। एनीथिंग एल्स और पूछेंगे लोग, इनसे पूछते रहे आप, ज्ञान लेते रहे। कितने लोग आप सुबह उठ जाते हैं, 4 बजे 5 बजे 6 बजे? 4 बजे उठने वाले कोई है रेगुलर? 4 बजे उठता हो? 4 बजे सोने वाले हैं, गुड। 4:30 से 5 बजे उठ जाते हैं, बढ़िया करोगे। हाँ और 4 बजे उठ जाते हैं तो रेगुलर जो है ना कंटिन्यू पूरे साल तक मेंटेन रखो, बढ़िया निकलेगा। चार बजे जो है ना कि पढ़ना, मतलब उठना कोई मस्ट नहीं है, बट बेहतर ये होगा आउटपुट ज़्यादा निकलेगा। मतलब मैं बोल रहा हूँ कि एक बच्चा 4 बजे सो करके जो मतलब जहाँ तक जिस लेवल तक पहुँचेगा, 4 बजे सोने वाला जिस लेवल तक पहुँचेगा, और दूसरा 4 बजे उठने वाला उससे आगे निकलेगा। समझ आई बात नहीं है? अब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि 4 बजे सोने वाला
बट बोले कि पॉसिबिलिटी जो है कि वो 4 बजे उठ करके काम करने वाले की ज़्यादा हाई राइज करने की होगी, ज़्यादा ऊंचाई तक जाने की उसकी पॉसिबिलिटी होगी, ये मैं बोल रहा हूँ जिनके बस में पॉसिबल है, क्योंकि काफ़ी लोगों के बस में ऐसा नहीं होता। जब मैं भी आपकी उम्र में था तो मैं भी करीब जो है ना कि अराउंड 2-3 बजे सोता था, 2 बजे 3 बजे, और अराउंड जो है कि हाँ मतलब मैं बोल रहा हूँ बेटा कि ऐसे नहीं जितनी बनाएगा हम 4 बजे उठने के कारण ही मतलब पूरे साल खराब कर दिया कि हो ही नहीं पा रहा। अगर आपसे नहीं होता कोई बात नहीं, आप 4 बजे सोएं कोई दिक्कत नहीं, आप मेंटेन कर लेते हैं तो, लेकिन जिनसे हो जाता तो उनके बढ़िया रहेगा। मैं खुद ही बता रहा हूँ कि मैं भी 2 बजे आपके लिए उम्र में था तो 2-3 बजे सोता था, और अराउंड जैसा डिपेंड करता मॉर्निंग में अगर क्लासेज हैं तो सुबह जाना ही पड़ता 6-7 बजे, अदरवाइज जो है कि अगर क्लासेज नहीं है तो थोड़ा लेट हो सकता था, 8 बजे जाता था। बट वो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, लेकिन ये मैं बेहतर बोलूँगा कि जो 4 बजे उठ के पढ़ लेते हो ज़्यादा अच्छा राइज करेंगे, जिनसे हो सकता तो कोशिश करेंगे। एनीथिंग एल्स, पूछे क्वेश्चंस पुट अप करें, ये ज़्यादा बहुत जरूरी होता है। ज्यादा हो जाएगा इस पर, नीट में तो हमारे अनुसार से जो है 650 के नीचे तो कुछ पॉसिबिलिटी ही नहीं है। जो फिजिक्स के क्वेश्चन का लेवल है तो उसके अनुसार से तो 650 के नीचे वाला के बहुत दिक्कत है। अर्लियर जो है ना जब इनके समय में तो क्वेश्चंस का लेवल ज़्यादा बेहतर था तो कट ऑफ कम था, अब क्वेश्चन का लेवल बहुत ही कम कर दिया गया, बहुत ही आसान लेवल बना दिया गया। मेरी 500 में थी, उसमें 500 बहुत हाई रैंक था। नहीं जो एक ही होता था पहले, उसमें सीट ही 2000 होती थी, अभी जो है ना 30-35 हज़ार सीट हैं, ठीक है, तो उस समय के अनुसार से बहुत हाई रैंक है वो। और किसी को कुछ पूछना तो पूछ लें, अदरवाइज ये जाएंगे, काफ़ी जो है ना कि इनका टाइम वैल्यूबल होता है। डॉक्टर जब बन जाएंगे तो टाइम जो है तो लोगों के पास अपने लिए होता नहीं है, दूसरे लोगों को देना पड़ता टाइम। ऑलमोस्ट जो है केमिस्ट्री और बायोलॉजी, केमिस्ट्री और बायोलॉजी एनसीईआरटी सफिशियंट होता है, एनसीईआरटी तक बाउंड हो सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ उसमें क्या निकाल दें, फिजिकल केमिस्ट्री निकाल दें, फिजिकल केमिस्ट्री का कुछ अलग से प्रैक्टिस कर लें आप। बायोलॉजी तो डेफिनेट है कि जितने लोग हैं तो यही बताते हैं कि बायोलॉजी जो है कि एनसीईआरटी जितना मल्टीपल टाइम्स पढ़ लें क्या, पढ़ाना शुरू कर दें, नहीं समझे, पढ़ना तो वह ठीक ही है, पढ़ने के पढ़ते क्या करते हैं आप, इंश्योर करके 2-3 महीने में पढ़ करके हम पढ़ाना शुरू कर दें, आपने एक बना लिया और उसमें पढ़ाना शुरू कर दें कि हाँ मतलब आज हम लोग तो जेनेटिक्स पढ़ाऊंगा तुम्हें मैं, तो ऐसा कुछ मंडली बना लें आप। मेरा
ये हरियाणा से स्कूलिंग था इसलिए लेडी हार्डिंग इनको नहीं मिला। कल्पना चावला में जो है ना रोहतक में कहाँ पे है, करनाल में है, तो वहाँ पे थे। बाकी जो है ना कि जैसे काफ़ी लोग ऐसे ड्रॉप वाले भी होते हैं तो ड्रॉप वाले में कोई डरना नहीं होता। स्वाति का कितनी बार में हुआ था, तो 3-4 ड्रॉप लेने में कोई दिक्कत नहीं है। अगर MBBS मिल जाता तो कोई दिक्कत नहीं होती। ऐसे नहीं मतलब इसके ड्रॉप करने के चक्कर में ना जाएं, मैं ये बोल रहा हूँ कि ड्रॉप के लिए मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर बाई द वे किसी का इस साल नहीं हुआ और एक या दो ड्रॉप ऑलरेडी उनका हो चुका तो ऐसा नहीं होता कि नहीं होगा। अगर आप चाहेंगे तो हो जाएगा। मैं आपको ड्रॉप लेने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, बट अगर ले चुके हैं तो डेफिनेटली हो जाएगा ये बोल रहा हूँ। काफ़ी लोग परेशान होते हैं ना कि हमारा तो कैसे होगा, हमारा तो 2 ड्रॉप हो गए, 3 ड्रॉप हो गए तो हम क्या कर पाएंगे। तो आपके सामने ही बोल रहे हैं कि दूसरे कोई बच्चा इनके साथ ही ग्रुप में था जिनका ड्रॉप लेने के बाद भी हो जाता। लेकिन ज़रूरी है कि आप ड्रॉप लेने के बाद काम करें। समझ आ गई बात है? तो तुम्हें कुछ वेक्टर वगैरह कुछ याद है, एक आख लाइन बताओ इनको, या सब कुछ भूल गए खत्म? पूरे फिजिक्स में कोई एक आख लाइन है तो कुछ मंत्र दो इनको भी। फिजिक्स पूरा भूल चुके हैं अभी। ऐसे ही होता है डॉक्टर बनने के बाद जो है ना, जिस फील्ड में है तो उसी फील्ड में सब कुछ याद है, अदरवाइज बाहर का तो फिजिक्स की जरूरत है नहीं। तो हाँ 2/9, हाँ रो माइनस डी, ऊपर आर स्क्वायर नीचे एटा, ऊपर आर स्क्वायर नीचे एटा। चलिए काफ़ी याद है इनको, ठीक है। तो ऐसे आपको भी हाई लाइक स्ट्रॉन्ग मेमोरी होनी चाहिए, लॉन्ग टर्म मेमोरी होनी चाहिए, लॉन्ग मेमोरी होनी चाहिए। जो रेसिस्टेंस वाली बात तो करंट के जैसे ही चलता, आर इक्वल टू आर प्लस आर टू या 1/r इक्विवेलेंट इक्वल टू पैरेलल में 1/r प्लस 1/r टू, जैसा रेसिस्टेंस में होता है। ओके ठीक है, इनके लिए क्लैप कर देंगे थोड़ा। ओके काफ़ी आपको एडवाइस दिया, डेफिनेटली इनके बातों को आप मानेंगे तो जस्ट डेफिनेटली आगे जाएंगे आप। ओके इसमें नेक्स्ट टाइम करते, बाकी हम लोग जो कर रहे थे एक बार जल्दी से एक बार रिवीजन ले लें आप, वो काम बहुत ज़रूरी है। जो चीज़ हमने पढ़ा तो उसको रिवीजन बार बार करते रहे हैं।